आजकल रात भर नींद मुझे आती है, सपनों में आके वो रोज सताती है। सपनों की रानी है, सपनों की रानी है। ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी जाने मन। भाग जाए हाथ में वो ना आए, बार बार मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए। दूर दूर भाग जाए हाथ में वो ना आए बार बार मुस्कुराए। ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी जाने मन। चैन नहीं है, थोड़ा सा प्रसाद तुमको देके भगवान को खिलाएं। जाओ अंदर मिठाई समझ के कागज खा ले, चलो जाओ। अरे काहे गर्जत हो हमारे पूतन पर, पैदा कर कर के पटक दिए और अब बिचारन को तरसावत हो दाने दाने के लिए। हाँ। तो क्या करें, अपने आप को खिला दें। ये देखो इतना सा है, परसों मिठाई की दुकान में गया, आधी दुकान खा गया। बोल नहीं नहीं नहीं, अरे झूठ बोलता, जूते समेत आँख में घुस रहा है। बहन बहन कहते शर्म नहीं आती हमको। अरे हम नहीं बोलत है, वो बोलत है। ये फिर आ गए अंगार लगाने के लिए। लो मुंह मीठा कर लो। लालो हमको दो, हम खाएंगे। भैया भैया आजा, मिठाई खाएंगे, मिठाई। मीठे के चींटे हैं। वैसे बहन जी ये मिठाई किस खुशी में? मुन्ना के पिताजी टीवी ले आए ना, उसी के लिए। देखा कैसी आग लगा रही, इसका कुछ करो। हट। वैसे तो घर में सब कुछ है, फोन, फ्रिज, मिक्सर, एक टीवी की कमी थी वो भी आ गया। रंगीन टीवी? हाँ रंगीन। अच्छा मैं चलूँ? हाँ अच्छा। का तो बस एक ही काम आवत है, घंटी बजाना। अरे हम पूछत हैं कि जब सबके घरों में धड़ाधड़ टिप टॉप हुई गवा, तो हमारे घर में सूखे शंग काहे बाजत हैं? इसलिए कि हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, मेहनत मुशक्कत की रोटी में बहुत खुश हैं। तुम्हारी खुशी गई भाड़ में, तुम्हारा क्या, दिन भर यहाँ वहाँ मुँह मार लेते हो। सूखी रोटी तो हम सबके गले में उतारे के पड़त है, लेकिन आज ही देवी मैया की फोटो के आगे हम कह देते हैं हाँ कि साल भर के अंदर हमारे घर भी टिप टॉप नहीं हुई गवा, तो हमारे लटकन के साथ हम दरिया में कूद के प्राण दे दे। हाँ। को शरीफ आदमी को पाप का रास्ता बताती हो। हम कसम से कहते हैं ये जो बंदी बंदाई पगार है ना, इसमें ये ठाट बाट नहीं आ सकता है, और हमसे होगा भी नहीं ये सब काम। कहीं नहीं होगा, तुम मर्द नहीं हो का? शर्म नहीं आती है? मर्द नहीं हो, मेहरा लोग कैसी बात करती है। अरे मर्द नहीं होते तो बच्चे हवा से टपके हैं का? तू शी नालायक। भाई जी आज सूट नहीं लोगे क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। ला सूट ला। सुनो एक बात पूछे का? ये रोज रोज सूट लेकर दफ्तर जाते हो फिर लौटा के जाते हो, अरे घर से सज सजा कर बन ठन के काहे नहीं निकलते? अगर हम ये सूट पहन के घर से निकलेंगे ना तो मेरी जुर्वा हमको उबलती हुई कढ़ाई में डाल देगी। वो समझती है कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरत नारियां वो सब हम पे मरती हैं। बिल्कुल भाभी जी ठीक कहती हैं। हाँ, अगर हम लोग आई होते तो हम भी आप मर मिटते। बताओ मछलियां फंसती नहीं, मेंढा गले पड़ रहे हैं। मोटा भैंसा कहीं का। सर सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। मैं इधर न्यू अपॉइंटमेंट। अच्छा ड्यूटी ज्वाइन करना सर। अच्छा अंदर जाओ। थैंक यू। मे आई कम इन सर? नहीं नहीं, डोंट कम प्लीज सर। आप पहले अंदर बोलने का तभी मैं जाने का। क्या हुआ, आप इतनी घबराई हो क्या? वो ठीक है, आप इधर बैठिए, मैं देखता हूँ। माखनलाल जी तो इधर आप। हाँ? तो रोज माखनलाल जी क्या बोलता है? मैनेजर साहब बोलते तेरे मुंह में दर्द होता है क्या? अच्छा मैनेजर साहब। अच्छा मैनेजर साहब क्या है? सर वो नई ऑपरेटर ज्वाइन करने के लिए आई है, उसको 5 मिनट के बाद भेजना। पहले मैं हालत ठीक कर लूं। हाँ। तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? तेरे सामने हालत ठीक कर। चल बाजा, कहाँ से भर्ती कर लिया गधे के औलाद को यार। उल्लू का पट्टा। अब तुम जवान हूँ, जान छोटी उस धोती से। मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू सर। सर बैठो ना। सर ये मेरा बायोडाटा सर। सर ये मेरा बायोडाटा सर। क्या हुआ सर? नहीं वो मैं तो थोड़ा सा मैं करंट मेरी जोन्स। नहीं मेरी जोन्स नाम है तुम्हारा, है ना? यस सर। सुना यस सर, कनेक्शन जोड़ना आता है। व्हाट सर? कनेक्शन। ए लुच्चा, ए बेशरम, छोकड़िया पे हाथ फिराता है। अपनी जिंदगी के आटे में थोड़ा सा प्रेम का नमक मिला तो तेरे बाप का कहा जाता है। आपने मेरे से कुछ बोला सर? नहीं मेरी एक घुमाई की मारेंगे तो बदसी और बत्तीसी के जबड़ा है ना, दोनों टूट के बाहर गिर जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। वो ए घांचू, मजा आवा कि नहीं? थोड़ी देर में रवि बाबू की नकल करे तो तेरे बाप का क्या जाता है? बाबा को तो जाता है। डैडी तोरा मना किया था ना सब नहीं करना, बेसरम। और मर्दानगी दिखाना तो तेरी अंगूरी को दिखाना। अरे तेरी अंगूरी कैसी की तैसी सारा धौंस देता है। चल पड़े रे। अरे तेरे की, आज तुम हमको डांट दिया। अरे तुम कहाँ चले गई? है ना ये सर। बैठो ना, डरने नहीं। तुम ऐसे चले गई तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा बेटा, अब तुम लगे रहो, हम अंगूरी को बुला के लाते हैं। ये टेलीफोन ऑपरेटर का काम बहुत आसान है। जैसे ही फोन की घंटी बजे ना तो ये रिसीवर को प्रेम से उठाना, कान से लगाना और कहना। 3 सेकंड के पाखो, जरा तो शर्म करो। अरे हमरे होत पराई नार के संग ने मटक्का करे तो हड्डी देना ही फूट दोगे। सर इधर घोष है क्या सर? नहीं वो भूत नहीं है, वो छोटा सा ट्रांजिस्टर है, हवा महल पकड़ रहा था। अभी नहीं बोलेगा, बंद हो गया ये। क्या पियोगे, ठंडा गरम? सर मैं साउथ इंडियन सर। मैं नॉर्थ इंडियन सर। मैं कॉफी पीती सर। हा? कॉफी गरम गरम अभी मंगाता हूँ। सुनो 2 कॉफी लाना गरम गरम। व्हाट? आपने कुछ कहा? नो सर। सही वक्त पर आएगा वह, तेरा खेल खत्म। मैंने तो कुछ नहीं कहा। माखनलाल जी आपको मेरे नाम कैसे पता चला? सर वो फाइल पर लिखा है ना। माखनलाल जी आपकी आवाज मेरे बॉस से मिलती जुलती है। व्हाट सर? माखनलाल जी। अरे सॉरी सर। ये सब क्या हो रहा है? नहीं सर वो मैं है ना, ये हमारे टेलीफोन ऑपरेटर, ये हमारे बॉस हैं। नहीं वो सर ये है ना, ये मेरी है। नहीं ये तेरी है। कौन यार तू? नो सर मेरी जोन्स। इसका नाम मेरी जोन्स है। हेलो मेरी जोन्स। हेलो हेलो। ओ बाहर जाओ, हम लोग काम है। ये सर बोलिए। ये सब क्या है? नौकरी कर रहा हूँ। अप उठो। यू आउट शी इन। ओह मैं बाहर जाऊँ, उसको अंदर भेजूँ? यस प्लीज। मैं माफ करना, सब गड़बड़ हो रही है। एक काम करो तुम बाहर जाओ, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं तुम अंदर जाओ यार। सुनो 5 मिनट बाद मेरे को मिलना। हाँ थैंक यू सर। सर ये सब क्या है सर? हाँ? ऐसे क्या देखता है सर? मेरी ऑफिस में गॉगल्स। ओ सर मेरा थोड़ा आँख का प्रॉब्लम है सर। वेरी गुड। सर मैं ये लगा लूं? नहीं रहने दो। सॉरी सर। मैं सोचता था तुम्हें पहले कहीं देखा है। वैसा? याद आया, ये वही चेहरा है जो 3 रातों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। ख्वाब? ये ख्वाब क्या होते हैं सर? ख्वाब एक किस्म की बीमारी होती है। माखन जी। नहीं, मैं ख्वाब का मतलब बता रहा था, इनको मालूम नहीं है। प्लीज माखन जी। कोई और काम नहीं है क्या? वो क्या है ना कि बैठो बैठो। थैंक यू सर। अगर कुछ जरूरत हो तो कहना, मैं अपने और अपने स्टाफ के बीच कुछ डिस्टेंस नहीं रखना चाहता। चाबी। ओह, एक्सक्यूज मी। हाँ, यस सर। इधर। ओह, लड़की कहाँ है? लड़की नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप नीचे क्या कर रहे थे? मैं चाबी ढूंढ रहा था। मैं आपको ढूंढ रहा था। बड़ा किया मत, मुझे मालूम है आप क्या ढूंढ रहे थे। ये लीजिए अपना प्रीवी पर्स और हवा खाइए। क्या आप मुझे मेरे ही ऑफिस से दफा होने को कह रहे हैं? देखिए मिस्टर रोमियो, माना कि ऑफिस आपका है मगर इसको चलाता मैं हूँ, और इससे पहले कि यहाँ की हवा खराब हो जाए और वो खराब हवा आपके घर पहुँच जाए तो आप यहाँ से चले जाए। मैं आपके घर फोन लगा देता हूँ ना सर। 2 मिनट की बात, बस बात कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा। ओके, रिलैक्स। अच्छा, इतनी जल्दी रिलैक्स? ये फाइल लीजिए सर। ले लो। हाँ, जो भी है, मैं चला। टेक केयर, बाय, मिलते हैं। आना। भगाने का कितना आसान तरीका है। अब मैं क्या करूँ? मेरी डायल करूँ। हेलो मेरी, अंदर आना। तो सब मरद साला एक जैसा, डबल स्टैंडर्ड। नहीं नहीं, सुनो ये सब मत आओ, ऐसी मिस्टेक से निकल गया। पहली बार मैं औरत पहचान गई यार। हट। शांति शांति, साइलेंस साइलेंस। आप में से कभी किसी ने किसी के साथ मोहब्बत की? मोहब्बत कैसे करते हैं किसी को कुछ मालूम है? ओ, तो सब कुछ मुझे ही सिखलाना पड़ेगा। ओके। मोहब्बत का टीचर हूं मैं दोस्तों। मोहब्बत का टीचर हूं मैं दोस्तों कि मैं समझे। तुम अगर कहीं पे मिले कोई लड़की तो हंस के मिलाना नजर। पहला तरीका सुनो, तुम अगर कहीं पे मिले कोई लड़की तो हंस के मिलाना नजर। मुस्कुराए तुम्हें देखकर तो तुम ये समझना सिग्नल मिला है। जब मुस्कुराए तुम्हें देखकर तो तुम ये समझना सिग्नल मिला है प्यार का। मोहब्बत का टीचर हूँ मैं दोस्तों कि मैं सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। आप पूछ पूछ पूछा सर। सर एक चुम्मा ले सकता हूँ? जरूर, लेकिन खाली जुम्मे वाले दिन, नहीं तो। अरे भाई क्या समझ रहा है? सर मैंने जुम्मे के दिन ही चुम्मा लिया था, लेकिन अब वो मिलती नहीं। अरे फिर तू क्यों नहीं जाता उससे मिलने? लड़की का बाप इंस्पेक्टर और 2 भाई गुंडे हैं। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, चढ़ जा सूली पे। ओके सर। जब ऐसा हो तो नजदीक जाना, जाके ये कहना सनम तरीका है नंबर ये तो। तेरा घर है, कहाँ तू है रहती बता, ये बता दे तेरा नाम क्या है, कहाँ तेरा घर है, कहाँ तू है रहती बता, ये बता दे यार को। सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अबे मजनू की औलाद, तुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, तू खाली चूसता रहे। हाँ बता नाम अपना, जब वो बता दे बड़े प्यार से कहना तुम। तीसरा तरीका है ये, नजर तो मिलाओ दिल में बसाओ, ना दूर जाओ गले से लगाओ। नजर तो मिलाओ दिल में बसाओ, ना दूर जाओ गले से लगाओ, प्यार से। मोहब्बत का टीचर हूँ मैं दोस्तों, मोहब्बत का टीचर हूँ मैं दोस्तों, कि मैं आ गया तुमको मोहब्बत सिखाने। सुनो 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 मेरी बात सुनो, सुनो 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 मेरी बात सुनो सुनो। What a lovely place! लेकिन जानेमन इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत थी? हमारे लिए तो एक बेडरूम ही काफी है। हाँ? Let's go. Come on. मैं तुमको मोहब्बत के सागर में डुबाकर। शराब पीने का मजा आहिस्ता आहिस्ता सिप लेने में है, गटागट पीने में नहीं। Naughty girl. यहाँ और कौन है? कोई भी तो नहीं। मैं देख कर आता हूँ। Hi darling. तुम यहाँ कैसे? तुमने ही तो कहा था जुहू बंगला 203 में मिलेंगे। मैंने? हाँ। हाय रवि। तुम भी? हेलो जानेमन। तुम भी? हेलो रवि। जानेमन? रवि। निर्मला, क्या तुम भी इसकी गर्लफ्रेंड है? रश्मिका, तुम भी इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ पता है। छोड़ना नहीं चाहिए। रवि डार्लिंग, ये कौन है? कसम से मीना, मैंने नहीं जानता। जानेमन, 4 दिन से एक ही चेहरा ख्वाब में आ रहा है। तुम मिले तो पहचाना कि वो तुम ही हो। लगता है हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी पिटाई का इंतजाम हो रहा है। नीचे, नहीं नीचे। नहीं, रोमियो की पिटाई का नहीं, विदाई का इंतजाम हो रहा है। बस चीफ गेस्ट आने की देरी है। और कौन होगी? लो, एक और जानेमन आ गई। रवि डार्लिंग, अपने बेगम साहिबा से नहीं मिलोगे क्या? ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा है। इतना बड़ा धोखा, इसका तो इश्क का बोझ हम उतारते हैं। ठहरो, एक औरत के सामने उसके मर्द की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। रवि साहब, आप औरत को समझते क्या हैं? एक खिलौना, जब दिल चाहा खेला और फेंक दिया। एक शादीशुदा मर्द होकर अपनी भोली भाली बीवी की आंखों में धूल झोंकते हुए, शर्म नहीं आई तुम्हें? लेकिन आज के बाद तुम्हारे ये नाटक खत्म। अब एक वफादार शादीशुदा मर्द बन के रहना, वरना। प्लीज आशा, ऐसा मत करो। आज जो तमाशा सबके सामने हुआ, उसके बाद तो मुझे शर्म से मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आशा प्लीज। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी आंखों के सामने ही तुम मुझे बूंद बूंद जहर दे के मारते रहो, और मैं चुपचाप बैठी सहती रहूँ, तुम्हारे ये घर संभालने वाली गुड़िया बनकर देखती रहूँ, तुम्हारा ये घर चलाने वाली एक नौकरानी बनकर, तुम्हारी मर्जी पर तुम्हें खेलने की इजाजत देने वाली गुड़िया बनकर। मैं जानता हूँ कि मैं आज तक बहुत बड़ी गलती करता रहा, शादी के पवित्र रिश्ते को झुटलाता रहा। शायद पापा के लाड प्यार ने मुझे कभी मैच्योर होने ही नहीं दिया। एक बच्चे के बाप बनने वाले हो और अभी तक मैच्योर नहीं हुए। सच आशा, मैं बाप बनने वाला हूँ। छोड़ो मुझे, तुम्हारे शरीर से वासना की घिनौनी बू आ रही है। हाँ। मैंने सुना है कि पत्नी की समझदारी पति को नर्क से भी खींच लाती है। मेरा साथ तो आशा, मुझे संभालो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं अपने आने वाले बच्चे की कसम खाता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कसम मत खाओ। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम फिर भाग गए और मेरे बच्चे को। मुझ पर यकीन करो आशा, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है हमारा सच। प्लीज मुझे माफ कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। ये मंगलसूत्र पहनने के बाद हर कोई जान जाता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ। राइट। उसी तरह आज से तुम ये चैन पहने रहोगे, जिसे हर लड़की जान जाए कि तुम आशा के हो, सिर्फ आशा के। परफेक्ट मैडम। और दूसरी शर्त, घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधे घर। ओके मैडम। और तीसरी शर्त, ऑफिस से हर एक घंटे में मुझे फोन करोगे, समझे? समझ गया मैडम। नहीं झूठे रामा, चाहे जिया जाए चाहे जिया जाए। अशोक। अरे साहब आप इतनी जल्दी? नहीं तो क्या तेरे साहब का भूत हूँ? इडियट, बदतमीज। हेलो। हेलो जानेमन, देखो तुम्हारे हुक्म का गुलाम ऑफिस पहुँच चुका है। ठीक है। अब तक नाराज हो? थैंक गॉड। वो चैन कहाँ है? वो चैन, हाँ बिल्कुल बाहर है और दुनिया के सामने ऐलान कर रही है कि मैं सिर्फ आशा का, अपनी आशा का। शुक्र है हंसी तो आई। अब अगर इजाजत हो तो कुछ ऑफिस का काम कर लूं? ठीक है, पर 1 घंटे के बाद फिर फोन करना। ठीक है, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस है या धर्मशाला? सॉरी सर, 10:30 बज चुके हैं और अब तक कोई अपनी सीट पर नहीं। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी सर, वो बस मिलने में थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। मैरी। यस सर। आई वांट अ डायरेक्ट लाइन इन माय कैबिन राइट नाउ। माखन लाल जी। यस सर। आप तो यहाँ के मैनेजर हैं। अगर आप ही लेट आएंगे तो दूसरों से क्या कहेंगे? सॉरी सर। सॉरी सर। ये क्या है? धोती कुर्ता अंदर जाके बदल लूंगा। धोती कुर्ता यहाँ पे बदल लूंगा। ये ऑफिस है, कोई अनाज की आदत नहीं कि धोती पर साथ बने चले आ रहे हो। तू क्या हंस रहा है बे? कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। माखनलाल जी। मेरे साहब आपका भी पानी उतार दिया, आपकी भी कोई कीमत नहीं। ऐसा आदमी जिंदगी में 2 ही बार करता है। कब? या तो पैसा बहुत कमा लिया हो, हाँ। या बीवी के हाथों जूता खा लिया हो। वाह क्या बात कही है मैनेजर साहब जी। 1 मिनट जरा लिख लूं। हाँ? मैं जरा लिख लूं। तुझे लिखना आता है? हाँ? बैठो उधर, चपरासी का हूं। मेरा भी पानी उतार दिया। तेरे अंदर पानी है? मुंह उधर कर। कहां से पकड़ के लेकर आते हैं लोगों को यार। अब जिंदगी भर एक बीवी और ये ऑफिस का कमरा और ये सब तस्वीरें। मैं आई कम इन सर? क्या सुबह सुबह कोई कड़वे करेले का जूस पी लिया था क्या? जितना कड़वा बोल रहे हो, न छोटे बड़े का लिहाज। 1 दिन पहले के आगे सब आग बरसाना शुरू कर दिया है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये देखिए। मतलब आखिर बिल्ली के गले में घंटी लटकी है। बिल्ली? हाँ, वो बिल्ली जो चूहे बहुत ज्यादा पकड़ती है। अब तुम भी मेरी तरह नाक में निकील डाले घुमा फिरा करोगे। आजादी बंद। अरे माखनलाल जी, ऐसे मेरा दम घुट जाएगा। अरे छोड़ो यार, मैं मर जाऊंगा। माखनलाल जी मेरी मदद कीजिए। हाँ। हवाने का कोई रास्ता दिखाइए। अरे ना हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे इतना बताइए, क्या दुनिया के तमाम शादीशुदा मर्द सिर्फ एक ही केओ की जिंदगी गुजार देते हैं? बिल्कुल, मैं नहीं गुजार रहा हूँ। क्या मैं आपकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी उम्र की बात कर रहा हूँ। खास फर्क तो है नहीं। जब आप मेरी उम्र के थे, क्या आपने कभी हेरा फेरी का काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मैं कहा रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा हूँ। पानी चाहिए? 1 गिलास पानी लाना भाई। मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाल पेश कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी मिसाल में बोला हूँ ना, पानी सामने रखा है। ओफो, मुझे सोचने दीजिए। सोचो। हाँ, आशा की शर्त। मुझे क्या मालूम? चेन पहनना, पहन ली। घर से सीधे ऑफिस आना, आ गए। आ गए, लेकिन ऑफिस से घर पहुंचने के बीच कुछ खिचड़ी तो पक सकती है। क्यों? खिचड़ी? मुझे खिचड़ी बनाना नहीं आती। कहां से इस बावर्ची को पकड़ लाया मैं? कौन बावर्ची? ठीक है, आप सिर्फ इतना जानिए कि अगर मेरे जाने के बाद आशा का फोन आए तो आप उसे ये कहना कि मैं बाथरूम में हूँ या कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। मतलब मैं उससे झूठ बोलूं? वो मेरी कितनी इज्जत करती है यार। आप आशा की फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। और इसी काम के लिए मैं आज से आपकी तनख्वाह दुगनी कर रहा हूँ। साल भर के अंदर हमारे घर भी टिप टॉप नहीं हुई गवा तो हम दरिया में कूद के प्राण दे रहे हैं। हाँ अच्छा कर देंगे, पैसे की खातिर अपनी आत्मा को मार रहा। अब क्या करें, रोज रोज के झगड़े तो खत्म हो जाएंगे ना यार। माखन जी आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं वो मैं अपने आप से बात कर रहा था। सुनिए दुगनी तनख्वाह के अलावा DA और RA ऊपर से RA रोमांसिंग अलाउंस। आज से आप हमारे मैनेजर ही नहीं हमारे PRO भी हुए, यानी कि पर्सनल रोमांस ऑर्गेनाइजर। एक लगाएंगे घुमाएंगे। क्या? नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये मेरे अंदर की आवाज है। झूठा कहीं का बिश। देखा नोट रखने से जमीर की आवाज भी बंद हो जाती। वाह क्या बात है, क्या लड़की है, क्या मस्तानी चाल है। मेरा दिल गया धक 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 धक। लेफ्ट। यस। हेलो लेट्स गो। तुम्हें पहले कहीं देखा है? याद आया, ये तो वही चेहरा है जो 3 रातों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। नहीं यार, इसी एरिया में कहीं देखा होगा। हो सकता है। वैसे तुम्हारा गजरा बड़ा खूबसूरत है। अच्छा चाहिए? ये ले लो। बड़ी बिंदास हो। बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी बीबी। लेकिन मर गई। ए काय को बेचारे को मारता है? तेरे से बहुत देखे झूठ पे झूठ बोलने वाले। बहुत देखे मतलब? भोला मत बन, पहले अपना पाकिट देख ले। पूरे 500 लूंगी। तुम क्या? हाँ मैं वही छू। उतरो। क्या? उतरो गाड़ी से। आओ। क्यों, लड़की चाहिए थी ना तुमको तो? लेकिन तुम क्या लड़की हो? छी तुम तो वो हो। तेरी तो, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो तेरी बकवास सुन लूंगी। पहले पैसे निकाल। मेरा पर्स कहीं रह गया। अच्छा बड़ा कड़का है। चलिए घड़ी चलेगी। लेकिन मैंने कुछ किया था। अरे टाइम तो खोटा किया ना। लेकिन ये मेरी बीवी की गिफ्ट। क्यों होता है? चली गई ना, वो पूछने नहीं आएगी। चल फोन घड़ी भी लेकर देख लूंगा तुझे। क्या रवि? हाय। कितनी देर कर दी? आज का जमाना भी बहुत खराब है। ऊपर से मेरी बाई आंख भी फट गई थी। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। माय ब्रीफकेस। मैं लाती हूँ। रवि। यस डार्लिंग। डार्लिंग गई भाड़ में। पहले ये बताओ गाड़ी में फूल कैसे? कौन थी तुम्हारे साथ? मेरे साथ कौन होगी? ओ ये फूल। देखो ना, फूल तो भगवान पर चढ़े हैं। देखो अब भगवान के नाम पर भी झूठ। हाँ। आशा मुझको गले से लगा। मौसम बहारों का है, दिलकश नजारों का है, दूर न मुझसे तू जा। मैं हूँ दीवाना तेरा, ओ मेरी जाने जाना, मुझको गले से लगा। मौसम बहारों का है, दिलकश नजारों का है, दूर न मुझसे तू जा। ROMANCE, romance, झेलती इन आंखों में मुझको डूब जाने दे, थोड़ा सा वो दिलरुबा और पास आने दे। आँखों में मुझको डूब जाने दे, थोड़ा सा वो दिलरुबा और पास आने दे। मान ले तू बेखुदी में होता है जो होने दे। मैं हूँ दीवाना तेरा, ओ मेरी जाने जाना, मुझको गले से लगा। मौसम बहारों का है, दिलकश नजारों का है, दूर न मुझसे तू जा। जानी लपटी का दिलाना है, मैं हूँ दीवाना तेरा, ओ मेरी जाने जाना मुझको गले से लगा। मौसम बाहरों का है, दिलकश नजारों का है, दूर ना मुझसे तू जा। मैं हूँ दीवाना तेरा, ओ मेरी जाने जाना मुझको गले से लगा। मौसम बाहरों का है, दिलकश नजारों का है, दूर ना मुझसे तू जा। ROMANCE, ROMANCE, रोमांस। ये लो बाप की पहली कमाई। खुश तुम गवा रहे ना? हमारा कुछ नहीं, सब इनका बाप है। हूँ दीवाना तेरा, ओ मेरी जाने जाना। ला 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 ला। अरे शिव, पानी कैसे बंद हो गया? सारा का सारा साबुन वैसे ही है। रवि, रवि क्या? अरे देखो पानी बंद हो गया। मैं क्या करूं? प्लीज एक बाल्टी पानी ला दो ना। लाता हूँ। पानी आ गया। मुंह उधर करो ना। अरे अरे बेशरम, ये क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, मुझे सब मजाक पसंद नहीं। बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो ना। दिन बर्बाद कर दिया। हाँ। था मेरे पति से आंख लड़ा थी, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तुम बार बार शक करती रहती हो। फिर शुरू। कुछ नहीं। तुम कभी सुधर नहीं सकते। अरे मैं तो उसे कह रहा था कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ओफ आशा, छोड़ो मुझे। ऐसे तुमने रोते नहीं, वरना बच्चा रोंदू पैदा होता है। और मैं तो उसी कसम तक खा चुका हूँ। प्लीज आशा, आज के बाद मैं किसी लड़की को देखूंगा तक नहीं, बस प्लीज। सर क्या? नहीं, वो जूते की कंपनी वाले को मैं क्या जवाब दूं? उन्हें कहिए कि दुनिया के तमाम जूते मेरे सिर पर आकर मारे। वेरी गुड। हे, कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो जूते लाके मारने के लिए। नहीं सॉरी सर, मैं आप कुछ परेशान लग रहे, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, आजकल हर लड़की को देखकर मेरा दिल मचलने लगता है। घंटी बजने लगती है और घंटी की आवाज सुनने के बाद आशा आपकी आरती उतार देती होगी। अरे आरती ही नहीं, बैंड बजा देती है। बहुत अच्छा करती है। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू देन। अरे आप तो मेरे प्यारो हैं। तो अरे हाँ, मैं एक आइडिया दूं सर आपको? हाँ वो मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो वो आप उससे पूछिए ना जिसने आपको चक्कर में फंसाया है। वो ना आपके साहब। अच्छा आइडिया है सर। नहीं, चुमा चाटी नहीं, कोई देखेगा तो क्या समझेगा सर। तो आइडिया अच्छा है, तो वो मैं। हाँ मिलेगा जरूर। चलिए। मैं कहाँ चलूँ? अरे चलिए ना। मैं कहाँ चलूँ? वहाँ मैं नहीं आता, वो बहुत फ्रॉड आदमी है। अरे फ्रॉड आदमी किधर? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो मेरे वहाँ ले जा। क्या करेंगे? प्रेम ही जीवन है। कौन प्रेम? पीएम साहब। अच्छा मोहब्बत की बात कर, बहुत फ्रॉड आदमी है। प्रेम भगवान है, ये गजरा गाय के लिए। प्रेमिका से प्यार करना 100 रुपया, ये 100 रुपया हमको देंगे। पीएम लेंगे। अच्छा वो लेता है। हाँ। वो 420 आदमी है। पत्नी के अलावा अन्य प्रेमिका रखना तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। हाँ। अब चलो बात करते हैं। एक मिनट। क्या? मैं पीएम साहब का बेस्ट स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कारण उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम होए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो आप अपनी प्रॉब्लम कह के बताइए। यानी तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं अपनी बता के बताऊँ? मैं क्या इतना बेवकूफ दिखता हूँ क्या? प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। तो मेरी इज्जत क्या इतनी इज्जत की ऐड मैं नहीं करता। नहीं। नालायक, तेरी ये हिम्मत? मैं नहीं, ये मेरी घड़ी में से आवाज आ रही है। देखो ये कैसी घड़ी है? ये अलार्म के टाइम इसमें से ना गालियाँ निकलती है। चुप रहना यार। अच्छा चलो रह जाते हैं चुप। ये तो अब तो चलेगा ना? हाँ थोड़ी देर चला लूंगा, बाद में देंगे ना। और हाँ चलो। ये क्या है? आइए बैठिए। बस पीएम साहब अभी आते होंगे। बैठिए। हम लोगों ने जूते वहाँ उतारे, कुछ चुराएगा तो नहीं ना? क्या कह रहे हो? अब हम अपनी पूजा आरंभ करते हैं। कृष्णा धरती पे आजा तू, कृष्णा कृष्णा धरती पे आजा तू। फ्रॉड आदमी लगता है। पूजा हो रही है। अब हमारी पूजा समाप्त हुई। बेईमानी की भी पूजा होती है, पहली मर्तबा देख रहा हूँ। Oh, my gold medalist, how is your progress? बस आपकी दुआ से everything is fantastic. क्या बंडल मारा है? चुप बैठो। अच्छा अच्छा, हाँ। ये हमारे खास आदमी मिस्टर माखनलाल जी, मैनेजर, थोड़े परेशान है। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4? इनकी? ये तो कुछ 15-20 बच्चों के बाप लगते हैं। 15-20? कम बोल। इतने बच्चे तो पूरे इंडिया में नहीं है। नहीं, बच्चे नहीं है। अपना जमीर तो मार दिया, बच्चों को भी मार रहा है ससुरे। तीसरा कोई है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। नहीं नहीं, वो आपने कुछ गलत बोला ना तो अंदर से आवाज आई। मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो फिर? और एक बीवी भी है अच्छी खासी। तो फिर समस्या क्या है? दिल जना मानता नहीं है। अब दिल के कहने पर चलो तो घर में महाभारत हो जाती है, घर की महाभारत संभालो तो दिल उछलने लगता है। अब इन दोनों को संभालो तो कभी प्यार आता है, कभी पाप। ये सब दोनों बहुत परेशान करती हैं, इसलिए आपके पास आए। आप कोई शॉर्टकट बताएं इसको, मतलब मुझे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बालक, ये तंदूर है क्या? नहीं, हमारे ज्ञान की रोशनी है। इसमें बल्ब अच्छा लगा है, कितने में लिया? बल्ब नहीं है बालक। मिस्टर मक्खन, आपको घर के मक्खन के साथ साथ बाहर का मक्खन भी खाना चाहिए। मेरे मक्खन हजम नहीं होता, इसलिए मैं टोस्ट है ना सूखा खाता हूँ। ये वो मक्खन नहीं है बालक, बाहर वाला मक्खन। प्रेम, प्यार, लेकिन अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ। वो नहीं, वो अपने से नहीं होगा, वो इनका डिपार्टमेंट। और क्या, मेरे डैडी ने कहा था ये सब मत करना, ये पाप है। अगर तुमको महसूस हो कि तुम कोई पाप कर रहे हो तो इसका भी एक रास्ता है। जो भी तुम कार्यक्रम अपनी बीवी से छुपा के कर रहे हो वो अपने नजदीकी मित्र को सब बता देना चाहिए कि तुमने क्या किया और कैसे किया। लेकिन तुम खामोश रहो। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज यंग बॉयज प्रॉब्लम, सो लेट मी सॉल्व इट। जैसे गलत खाना खाने से याद रखना, जी घबराने लगता है, और जब मुंह में उंगली डालो तो उल्टी आने से मन शांत हो जाता है। तुम्हें उल्टी कर दूं? नहीं, उल्टी करने के लिए कहा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वैसे ही अपनी छुपा वो सब पाप को हल्का करने के लिए किसी मित्र को सब कुछ बता दो तो पाप का कम हो जाता है। बहुत बंडलबाज है यार। नहीं, मैं आपकी बुराई कर रहा था, सॉरी, मैं आपकी तारीफ कर रहा था। पैसे कौन देगा? हाँ, ये देंगे। मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अभी जो दिए थे। कहाँ पे? सीढ़ी पे। नहीं, उस सीढ़ी से लेके यहाँ तक आने में खर्चा हो गए। इसके बीच तो दुकान तो नहीं है? नहीं, वो मन के अंदर दुकान है ना, उसके अंदर खर्चा हो गया। ठीक है, मैं देता हूँ। आपसे ज्यादा नजदीक इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। क्यों? मारो मुझे यार, लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से जो कुछ भी मैं दूसरी लड़कियों के साथ करूँगा वो मैं आपको सुना दूँगा। नहीं, मैं नहीं सुनने वाला। क्यों? अरे मर्द आदमी हूँ, कुछ हो गया तो। डोंट वरी, 3 बच्चों के बाप बनने के बाद आपको कुछ नहीं होगा। अभी भी शादी करो, 6 बच्चे पैदा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा टेलीविजन है। अरे खाली कह रहे हैं यार, कर थोड़ी रहे हैं। अच्छा अच्छा, सोच लो। एक सीन सुनने के लिए 200 रुपए। 200 रुपए? मैं जरा अपने सेटेलाइट पे बात कर लूं। सुनने का 200 रुपए मिलेगा, चलेगा? दौड़ेगा। हाय। हाय। ये लड़की का नाम हाय है? शिवाली, शीशे वाली। अच्छा अच्छा, ये शीशा बेचती है यार। चलो उतरो। किधर उतरूं? तो मैं जल्दी में हूँ। तुम जल्दी हो तो मैं कहाँ उतरूं यार? तो मैं जाऊँगा कैसे? बस से आगे बस स्टॉप है। अच्छा, मैं बस में जाऊंगा और वो इसमें जाएगी। कमिंग। ओ मियां सुनो, मैं अगर पैर जमीन पे रखूंगा ना तो मेरे पेट में से राज निकलने लग जाएगा, और फिर आशा के सामने राज निकले तो क्या धुलाई होगी तुम्हारी। क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा मैं चलो जाता हूँ। टैक्सी में, टैक्सी। इतना तो टैक्सी वाला टिप लेता भाई, इतने में तो ऑटो रिक्शा वाला नहीं बैठा। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरा क्या है, 5 मिनट तो चला लूंगा, बाद में और देना। हाय। हाय। फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। चलो नेशनल पार्क चलते हैं। हाँ चलो। सुबह वो लड़की कौन थी? कौन? वो पागल थी एक। ये कहानी सुनने की, मगर छोटी सुना ना। क्या शीशे वाली लड़की थी यार, हाय। अच्छा। कल नेशनल पार्क गए हम। अच्छा। क्या लंबी जुल्फे थी उसकी, हाय हाय। क्या होंठ, क्या किस्ती थी यार। मेरा दिल उधर ही मचल गया, मैं उधर ही बढ़ गया। मैं स्टेरिंग व्हील छोड़कर उसको लिपट गया, वो मुझसे चिपक गई। अरे यार यकीन नहीं आ रहा था, यार लड़की थी यार, क्या लड़की। कार में ही शुरू हो गए, मैंने ब्रेक दिया, मैं ऊपर वो नीचे, मैं आग लग रही है, मैं ऊपर वो नीचे। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इतना मैं शर्ट उतारूं। अबे सभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुई। ये कैसा है? ये भी नहीं। सुनिए ये ड्रेस मैंने ली। अच्छा वो मेरे बच्चे ड्रेस कहाँ है? ये ली। बिल? ओके थैंक यू। वेलकम। यहाँ ये देखो, अरे ये क्या है? तुमको पसंद नहीं डाले? लहराते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ा। वाह क्या लगती थी वो, क्या फिगर। 36, 26, 36, क्या रेशमी जुल्फे थी उसकी। फिर मैंने उसको किस किया, ऊपर झुका, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बहुत बाकी और माफ कर रहा हूँ, मेरे पास माफ कर, लगे रहो मेरे बाप क्या जाता है। भगवान इनको माफ कर देना, कभी क्या जाता है। चल हेलो। अच्छा कान बंद करके बैठे हैं। अच्छा तो फिर मैंने उसको बोला मैं वो बहुत प्यार करता हूँ। वो आई मेरे पास, आकर मैंने उसके पास किया। क्या लगती थी वो, क्या बताए। ये एक, ये दो, ये तीन, ये पता नहीं है यार। क्या पैंट उतारूं क्या? कुर्सी तो हटाओ पहले। ला रे, ला। अरे ये क्या मजाक है, चलो हटो। अरे छोड़ो ये बीवी वाले काम, लेट्स गो। मुझे खाना बनाने दो, चलो। देखो आज तक सिर्फ तुम मेरी बीवी थी। तो क्या अब नहीं हो? मेरा मतलब ये नहीं था पगली, आज से तुम बीवी के साथ साथ मेरी प्रेमिका भी हो। अरे आओ हम रोमांस करें, डांस करें। तेरा प्यार हूँ, रोज मिलेंगे मिलके चलेंगे प्यार की राह पे हम दोनों। झिंचक 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 ओ बाबा झिंचक झिंचक झिंचक, हे झिंचक 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 ओ बाबा झिंचक झिंचक झिंचक। तू मेरा प्यार है, मैं तेरा प्यार हूँ, रोज मिलेंगे मिलके चलेंगे प्यार की राह पे हम दोनों। झिंचक 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 ओ बाबा झिंचक झिंचक झिंचक, ढिंचक ढिंचक ओ बाबा ढिंचक ढिंचक ढिंचक। मैंने तो ये दिल सनम तेरे नाम लिख दिया, जिंदगी का फैसला पल दो पल में कर लिया। मैंने तो ये दिल सनम तेरे नाम लिख दिया, जिंदगी का फैसला पल दो पल में कर लिया। तू मेरा प्यार है, मैं तेरा प्यार हूँ, रोज मिलेंगे मिलके चलेंगे प्यार की राह पे हम दोनों। झिंचक 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 ओ बाबा झिंचक झिंचक झिंचक, हे झिंचक 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 ओ बाबा झिंचक झिंचक झिंचक। कर सकता नहीं प्यार वो, मारो गोली दुनिया को, बाहों में मुझे थाम लो। डरता है दुनिया से जो कर सकता नहीं प्यार वो, मारो गोली दुनिया को, बाहों में मुझे थाम लो। तू मेरा प्यार है, मैं तेरा प्यार हूँ, रोज मिलेंगे मिलके चलेंगे प्यार की राह पे हम दोनों। झिंचक झिंचक बाबा झिंचक झिंचक झिंचक, अरे झिंचक 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 बाबा झिंचक झिंचक झिंचक, हे झिंचक 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 बाबा झिंचक झिंचक झिंचक, हे झिंचक 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 बाबा झिंचक झिंचक झिंचक। लो पहुंच गए खंडारा। कम ऑन माला। ये रही माला। ये माला नहीं। अच्छा ये वाली माला। हाँ। मैं दो माला। कमान। हाय मैं मर जाऊं। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, खुदकुशी हो रही है। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, इतनी जल्दी क्या है, तंग मत करो ना। हेलो हेलो। हाँ लड़की लड़की कहाँ से, यहाँ तो कोई भी नहीं। इनका सत्यानाश, मैं दिमाग खराब कर दिया लोगों ने यार। शीशी ये कैसा फिराती है, मेरी याद ही नहीं, सब भूल गया मेरे, क्या मुसीबत है। अरे जाना। आई लव यू। एक बार फिर बोलो। आई लव यू। मैं तुमको हाथ लगाऊं? दूसरा भी? श्योर। सर पे? गाल पे? ये भी लगाओ। या जागना मैं सो रहा हूँ यार। ये माँ लड़की कहाँ गई बताओ। मैं लड़की की जगह कुत्ते की पपी ले रहा था। अच्छा वो किसी ने देखा नहीं यार। मेरा दिमाग खराब हो गया। अपनी बीवी की फोटो देख रहे हो? बीवी? कौन सी बीवी? तुम्हारी बीवी? नहीं, मेरी को कोई बीवी नहीं, मैं तो वैसे डॉक्टर था। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं माखन जी से मिलकर आता हूँ। कम ऑन। अरे यार क्या है, तुम क्यों मेरा सता रही हो? मैं कहाँ सता रही हूँ? उधर भी नजर आती हो, यहाँ भी नजर आती हो, क्या चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं। आई लव यू। उधर भी लव यू था, जब मैं नजदीक आया तो भाग गई। अब नहीं भागूंगी। पक्का? हाँ। बेबी आऊं? हाँ। नहीं भागोगी ना? नहीं। मैं ऐसे कभी नहाया नहीं मगर। अरे कौन है यार, 2 मिनट के। माखन जी तुम भी अंदर आओ। उल्लू को पटा साला भिगा दिया मुझको। ये पानी बंद किधर से होता है यार? हंसता क्या है इस वक्त? नारे हो तुम, कपड़े पहने हुए। कपड़े उतारने का चांस ही नहीं मिला। खैरियत तो है ना? अभी तो है, कल की गारंटी नहीं है। फोन करके आता हूँ। हेलो जानेमन। फिर किसको बुला रहे तुम? मेरी बीवी है। तो नाम लो ना, जानेमन क्या होता है? बीवी को जानेमन कहता है क्या? कौन फ्लोरी? क्या हुआ आशा को? उसे कहने की फिक्र मत करना, मैं अब भी आया। जी आशा सीढ़ियों से गिर गई है। गिर तो तुम भी गए हो। वो भी ऐसे दिनों में जब वो माँ बनने वाली है। मैं चला। उसका क्या होगा जो वहाँ पड़ी हुई है? तुम संभाल लेना। मैं? मेरे लिए बीवी पहले है। क्या पत्नीव्रता आदमी है यार। एक बात समझ में नहीं आती है कि इंसान अपने शराफत के घोंसले को छोड़कर उड़ जाता है, कव्वे की तरह यहाँ वहाँ चोंच मारता फिरता है, मगर शाम को वहीं पहुंच जाता है जिस घोंसले में उसकी बीवी रहती है। अगर वहीं जाना है तो मेरे सपने क्या जरूरत है कि नहीं? नहीं वैसे जरूरत है, नहीं तो आदमी मर जाएगा, है ना? काका जी फिर से तो बोलो। अरे हाँ भाई मालूम है, खाली मुंह से निकल गया, भड़कती का गई। बीवी ने अजीब मुसीबत मेरे साथ चिपका दी है। ये सब कैसे हुआ? अच्छा हुआ साहब आप आ गए। लोरी पहले ये बताओ कि आशा कैसी है? गॉड ने मेम साहब को बचा दिया साहब। और मेरा बच्चा? सब अच्छा है। हाँ। आप जल्दी चाहिए, मेम साहब आपको बहुत याद करता है। चैन बाहर निकाल दे बेटे। डोंट वरी जानेमन, अब मैं आ गया हूँ। कहीं चोट तो नहीं लगी? आशा सब ठीक तो है ना? हाँ रवि, हमारा बच्चा बच गया। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। रवि मेरी कसम खा के कहो, उस दिन तुमने बच्चे की छोटी कसम तो दिखाई थी ना? क्या बच्चों जैसी बातें करती हो आशा। मैं भले ही बुरा हूँ, न जाने कितने पाप किए होंगे, झूठ बोले होंगे, लेकिन तुम जैसी पत्नी के पुण्य इस परिवार पर आने वाली हर मुसीबतों को टाल देंगे। हाँ आशा, ये मेरा यकीन है। I love you आशा, I love you। मेम साहब जरा एक बार बच्चे को आने दो, ये तुम्हारा फूल कुछ नहीं बचने वाला है। नहीं फ्लोरी, मैं अपने बच्चे को शुरू से प्यार करना सिखाऊंगी। उसे समझाऊंगी कि फूलों की खूबसूरती देखनी चाहिए, उसकी खुशबू महसूस करनी चाहिए, मगर उन्हें तोड़ना या मसलना नहीं चाहिए। मेम साहब आपकी चिट्ठी। Hey फ्लोरी, किसकी चिट्ठी है? पापा की। Oh good। तुम्हारी साली की शादी तय हुई है। अचानक सब कुछ हुआ है। लिखा है हालांकि शादी को अभी 10-12 दिन है, लेकिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सभी कुछ तुम्हें ही करना है। खत देखते ही रवाना हो जाना। रवि को भी साथ में लाना, क्योंकि दामाद कहो या बेटा वही मेरा सब कुछ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ। तो कब जाना चाहती हो तुम? क्यों तुमने पगली, काम छोड़कर इतने दिन में बाहर कैसे रह सकता हूँ? 2 या 3 दिन पहले पहुँच जाऊंगा। लेकिन पापा को बुरा लगेगा। तुम इतनी समझदार हो, मुझे यकीन है कि तुम पापा को समझा दोगी। और सुनो, फ्लोरी को भी साथ में ले जाना। मैं तुम दोनों की फ्लाइट की टिकट अभी बुक किए देता हूँ। व्हाट टू राइट सर? व्हाट टू राइट सर? व्हाट टू राइट सर? राइट एनीथिंग यू लाइक। एनीथिंग? इसको छोड़ना। मेरी मेरी। यस सर। पान खाएगी? पान? नो थैंक यू सर। Sir, it's bad for health, sir. No, no, it's very good for the health. No, sir, it's bad for health. Hey, कौन बोला? It's very good. ये है ना इसके अंदर लाल लाल थिंग का था। When it goes into the पेट, then खून बनाता है। Like this, no, ताकत coming. Hello, sweet doll. Hello. मेरा direct connection का क्या हुआ? हुआ। ये क्या करता है सर? सर आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हियर सर, ऐसा थोड़ी चलेगा। माखनलाल जी जी जरा अंदर आइए, वो वाला खाता लेकर। कितना छिछोरा बॉस है मेरी मेरी। ये सर ये आदमी जरा हवा में उड़ रहा है। हवा में मतलब ही इज फ्लाइंग। हाँ तो बी अवे फ्रॉम हिम ना, कुछ भी गड़बड़ करे तो माई टू टेक चांसेस। यू अंडरस्टैंड ना? ये ना यू अंडरस्टैंड ना? या आई अंडरस्टैंड सर। अरे क्या सर, कॉल मी समथिंग एल्स। सर व्हाट सर? फिर वही सर, समथिंग एल्स। समथिंग एल्स सर? कॉल मी बॉयफ्रेंड। सर बॉयफ्रेंड? आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड सर। तो दुनिया में पैदा काहे को हुई है यार? कॉल मी डार्लिंग। डार्लिंग में भी सर? हर्ट क्या है? 10 दिन माखन जी, 10 दिन। क्या मतलब? आशा मैं के गई है 10 दिन के लिए। अरे रे रे, कितनी दुख की बात है, मुझे रोना आ रहा है। दुख की बात? आपकी पत्नी चली गई ना, अब आएगा मजा माखन जी। हा? अब आप रहेंगे, हम रहेंगे, और ये सुनहरा खाता रहेगा। वाह! 10 दिनों तक? 10 दिन में तेरा सर्वनाश हो जाएगा। काहे को शराब दे रहा है? देख लेना। अरे भर दीजिए इस सुनहरे खाते को सुनहरी तारीखों से, और अपने जेब को इन नोटों से। इकामे की सजा के तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। क्या करें, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए अपना मुंह काला तो करना ही पड़ेगा ना। मुंह काला? आपको हमराज बनाने का ये मतलब तो नहीं कि आपके मुंह में जो आए बकते रहिए। नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ी बोलूं, मैं तो अपने आप से बात करूं। अपने आप से बात करने की इजाजत नहीं है। क्या आप बोलिए, मैं उसको भर देता हूँ। बोलिए क्या भरना है, बोलिए बोलिए। मैं क्या बोलूंगा, आप तो मेरे पीआरओ हैं, आप लिखिए। अच्छा, मैं आपके सब 10 दिन की डायरी है ना अच्छे अच्छे कामों से भरता हूँ। कल अपन है ना अंधे भिखारियों के स्कूल में जाएंगे। अंधे भिखारियों के स्कूल में नहीं जाएंगे, अच्छा अनाथ आश्रम में जाएंगे। अनाथ आश्रम को क्या हो गया है? विधवा आश्रम में जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ बूढ़ी बूढ़ी औरतों को खाना खिलाएंगे। माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे। तो फिर किधर जाएंगे मेरे मालूम नहीं है। सुनहरी दुनिया में जहाँ मोहब्बत हो। मोहब्बत की सुनहरी दुनिया में? की रंगीन सर कार्ड। किसका कार्ड है? ए, हट, इतने गंदे गंदे कार्ड लेकर शर्म नहीं आती है? सर इसको बाहर निकालो। किसका कार्ड किसका है? अरे बहुत गंदा कार्ड है सर। है क्या? नहीं नहीं, क्या बोलूं, बोलते हुए शर्म आती है, बहुत गंदा है सर। है क्या? होटल ब्लैक एंड व्हाइट में है ना, छी कैबरे है सर। कैबरे? अरे इसकी कराटे की मां बहन करते हैं हम से चिल्ले। वेरी गुड वेरी गुड, वाह क्या बात है मेरे शेर। अरे भाई ये जंग तो तूने जीत ली, अरे मोहब्बत की जंग भी जीत ले, वो तेरा इंतजार कर रही है। पी के बताइए कैसी बनी है। वाह, आज तक किसी ने ऐसी चाय बनाकर नहीं पिलाई है। अब आपका मतलब है आपको चाय बना के पिलाने वाला कोई नहीं? फिलहाल तो नहीं। आप बैचलर? बस यूं ही समझ लीजिए। आप यहाँ अकेली रहती है? सिर्फ यही नहीं, हर जगह। बचपन में मां मर गई और बाप घर में दूसरी औरत ले आया। मेरे हाथों को डरती थी, रोती थी और मुझे पीटा जाता। एक दिन उस औरत ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वहां से जो निकली तो न जाने कितने दरवाजे मेरे मुंह पर बंद होते चले गए। फिर एक डांस टीचर के यहाँ मुझे काम मिल गया। उसे देख देख कर मैं नाचने लगी। फिर एक भले इंसान ने मुझे होटल में नौकरी दे दी और मैं कमाने लगी। लेकिन कहीं मुझे अपनापन नहीं मिला। आज जब आपने मेरी जान बचाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा अपना है। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरी तन्हाइयां बांट लो, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। आशा, हाँ? आशा लो, मैं तेरे को कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ खड़ी है। हाँ? रो क्यों रही है? हाँ? क्यों रो रही है? समझ गया। अरे बाबा अभी शादी को 3 दिन है, आ जाएंगे। रवि काम काज में कहीं लगा होगा। अरे मिट्टू बेटी। जी पिताजी। कब तक रोएगी? हाँ? ये प्लेन की टिकट है मॉर्निंग फ्लाइट की। तू जाके मुझे खबर दे। ठीक। और एक काम कर। जी। एक दफा ऑफिस में फिर से टेलीफोन कर। डार्लिंग सर। जिसको डार्लिंग बोलता है ऐसा लगता है मैं तुमको डार्लिंग बोलने की पगार देता हूँ। मगर देते तो नहीं सर। पैसे की बात मत करो, मेरे बचेगा तो तुमको दूंगा ना, सारे घर वाले छीन लेते हैं। खैर आगे बोलो, क्या बोली थी? सर वो मैं बोल रही थी कि 8-10 दिन हो गए लेकिन रवि सर नहीं आए। क्यों? वो अपने ससुराल गए। वो सर की तेरे को बहुत याद आ रही है, लेकिन ये सर जो अपना सर तेरे सामने रखे बेटा, ये सर दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ऐसे ही ऐसे। फोन उठाओ, फोन बज रहा है। ओके सर। हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। मिसेस रवि बोल रही है। सॉरी, नहीं वो तो नहीं है। हेलो आशा। माखनलाल जी नमस्ते। मैं इधर के फोन में गड़बड़ है, मैं अंदर से बात करता हूँ। एक मिनट, फोन रखना नहीं है। ऐसा कभी बीच में बोला नहीं, गुडवाई क्या? ओके सर। हेलो, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। कैसी रही शादी? ठीक हुई, पर साहब नहीं आए। कहाँ है वो? मैं दरअसल क्या, वो कह रहे थे कि मैं मद्रास जाऊंगा, मद्रास से आऊंगा। मद्रास? आई नहीं अब तक। नहीं तो? हाँ याद आया, वो कह रहे थे कि मैं मद्रास से तिरुपति जाऊंगा, तो हो सकती है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई हो। अच्छा ठीक है, मैं सुबह की फ्लाइट से आ रही हूँ, आप मुझे एयरपोर्ट पे मिलिए। मैं आ जाऊंगा एयरपोर्ट पे। हाँ यार, ये आदमी मरवा डालेगा, मैं इसको ढूंढू कहाँ। हाँ बोलो माखनलाल जी। अरे क्या यार, तुम कहाँ हो? मुझे किसी दिन मरवा डालोगे। मेरी टिकट का क्या हुआ? शादी पर जाना है मुझे। शादी हो गई, अब अपनी बर्बादी की तैयारी करो। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, शादी हो गई। आशा कल सुबह आ रही है। क्या? हाँ, मगर सुनो, भूल जाने से पहले तुम आशा को बोलना मैंने उसे कहा तुम मद्रास गए हो, मरवा दिया। वहाँ से तिरुपति गए थे, यही कहना उसे। तिरुपति कहूंगा तो प्रसाद भी मांगेगी, तो अपना सर काट के दे देना उसको। क्या सर मांगेगी? अबे ला के दूंगा, तुम आओ ना ऑफिस में। यार कहाँ जा रहे हो? सपना मुझे जाना होगा। क्यों? वो आ रही है। कौन आ रही है? वो अपनी माँ आ रही है। माँ? तो फिर मैं भी चलूंगी। आशीर्वाद लेना होगा ना? आशीर्वाद? आशीर्वाद कितनी जल्दी भी क्या है? क्यों? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, फिर माँ का आशीर्वाद तो जरूरी है ना? डार्लिंग, आशीर्वाद से पहले एक बात और भी जरूरी है। वो क्या? एक दूसरे को जानना। और What you mean? 10 दिन से 24 घंटे हम एक दूसरे के साथ हैं। इसके बाद और भी कुछ बाकी है? किड, जस्ट किड। शादी जैसे अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को इतनी नजदीकी से जानना जरूरी होता है, जहां दो मन और तन के बीच तार तक न हो। घर से बाहर क्या रही, सारा घर गंदा कर दिया। हाय फ्लोरी, डार्लिंग, जानू, जाने मन, I'm sorry, I am very very sorry। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। ये लो जूता और लगाओ गिन गिन के। हाँ, तुम्हें तो मजाक सोचता है। पता है वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई। जिसे देखो वो यही पूछ रहा था, तेरा पति नहीं आया। साली की शादी से बढ़कर ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था। टोन करा सबको दुखी किया, सबको। लेकिन डार्लिंग मेरे पापा को भी। लेकिन जानू मैं काम से। तुम्हारे काम सब मालूम है मुझे। पूरी आजादी थी ना, खूब गुलशन रहे उड़ाए होंगे। नहीं जानू, मैं तिरुपति गया था अपने आने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगने। ये देखो तिरुपति का प्रसाद। सच्ची? यस डार्लिंग। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी रवि। हेलो, किसका था? कट गया। अच्छा, हम जोड़ लेते हैं। हेलो। थैंक गॉड। पता नहीं कौन है। छोड़ो, जाने दो प्लीज। लो चाय पियो। थैंक यू। पता है रवि, पापा के यहाँ एक तोता है। वो मुझे आशा आशा कहकर बुलाता था। रियली? हाँ। रवि, मुझे भी एक तोता ला दो ना। ये भी कोई कहने की बात है साहब। ये आपका सूटकेस। रवि, ये तुम्हारा सूटकेस तो नहीं है। मेरा ही तो है। मरवा दे माँ कल्याणी ने। अरे, इसमें सारे कपड़े तो ब्रांड न्यू है। देखो अभी तक लेबल भी नहीं उतरे। ये देखो। इसे तो वकील होना चाहिए था। वो क्या है आशा की, तुम चली जाती हो ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। ऑफिस में अचानक एक टूर की बात तय हुई। टाइम कम था तो रास्ते से एक नया सूटकेस और कुछ कपड़े ले लिए। अब देखो ना आशा, तुम्हारे ना होने से कितना पैसा वेस्ट करना पड़ा है ना। ठीक है, मैं इसे अलमारी में रखती हूँ। हेलो, कहाँ थे? मैंने पहले भी फोन किया था। पता है, शायद बाजी ने उठाया होगा। हाँ? हाँ। अब बाजी से कब मिला रहे हो? जल्दी। अरे रवि, आई मिस्ड यू। आई लव यू, आई लव यू। हाँ क्या? हाँ बोलो ना। आई लव यू। आई। हाँ, कल ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ। क्यों? माँ जी पास में खड़ी है। अच्छा तो सुनो ना, शाम को जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। अरे ये क्या सुबह सुबह? अरे 12 दिन से तरस किया था तुम्हारे लिए। फ्लोरी आ जाएगी। अरे फ्लोरी की ऐसी की तैसी। अरे ओहो, क्या हुआ होगा? ओह गॉड। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखती हूँ। हेलो हेलो, कहा था ना फोन मत करना। तुमने कहा था ना तुम शाम को आओगे, लेकिन तुम आए नहीं। ठीक है, कल आऊँ। रवि, हमने इतनी रातें इतने दिन एक साथ गुजारे। ये घर अब मुझे काटने को दौड़ता है। रवि प्लीज प्लीज तुम अभी आ जाओ। हाँ भाई, तो ठीक है, तुम कल सुबह आओगे। फोन रखो। रखती हूँ ना। रवि आई लव यू डार्लिंग। रवि आई लव यू। हाँ भाई बाय। कहीं आशा ने सुना तो नहीं? देखता हूँ। अरे माखन जी, अब यहाँ इस लड़की ने तो मेरी नींद हराम कर दी है। जब देखो फोन फोन। कहीं आशा को मालूम पड़ गया तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। एक बात बोलूं रवि बाबू, इस दुनिया में दो किस्म की मक्खियां होती हैं। एक गुड़ में बैठती है, मुंह मीठा करती है और उड़ जाती है, और दूसरी ऐसी होती है जो सारे शरीर का खून चूस लेती है मगर फिर भी उनका पेट नहीं भरता। ये उसी में से है। उठाइए, ये 100% उसी का होगा। उसका नाम मत लो यार। अरे उठा दो सही यार। हेलो सर, सपना जी का फोन। काली जबान मनुष्य कहीं का। हाँ कमाल है, ये नाश्ता ठंडा हो रहा है, तुम ऑफिस पहुँच गए। दूसरी शर्त यही थी ना। कौन सी शर्त? नहीं, मैं माखन जी से कह रहा था। हट, मुझसे कहाँ बोल रहा है? और मुझसे जो कहा था मैं सुबह आता हूँ। हाँ वो मैं लेट हो गया डार्लिंग। डार्लिंग उधर इधर नहीं है। मैं 8 बजे आ रहा हूँ। बाय। इससे पीछे कैसे छुड़ाऊँ? तुम्हारी चेन कहाँ है? चेन? चेन? सॉरी डार्लिंग। इसको हमेशा गले में लटका के रखो, बीवी याद रहेगी। हाँ। अच्छा एक बात तो डेफिनेट है। क्या? कि तुमने इस लड़की से ये कहा होगा कि तुम शादीशुदा नहीं हो, कुंवारे हो। हाँ। ताकि दूसरी लड़कियों की तरह योड़ ना जाए, हमेशा एक पंछी की तरह तुम्हारे कब्जे में रहे। झक मार ली, अब क्या करूँ? झेलो। इतना फोन मत क्या करो, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ रवि तुम्हें? आशा का फोन है, अब क्या करूँ? ऐसा करो कि सच बोल दो। बोले बार लड़की का बार बार फोन आता है। मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो क्या मैं बोलूंगा? प्लीज माखन जी। क्या हो रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ। लड़कियाँ पटाते से परेशानी होता है। प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं प्रॉम्प्टिंग करता हूँ। एक्टिंग करके बता दो, तू वैसा बोलता जा। हाँ। अरे क्या कुछ बोल दो सही। एक लड़की का बार बार फोन 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 बार बार फोन। एक लड़की का फोन बार बार आता है। लड़की? हाँ, बाल खींचने वाली लड़की का। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ, एक पागल लड़की का फोन बार बार आता है। पागल लड़की? हाँ। और बोलती है क्या चक्कर चला रहा है? किस बात का चक्कर? हाँ, नहीं नहीं। अब मैं शादी करने को बोलती है। यस, शादी करने को बोलती है। शादी? अगर उसका फोन आए तो मुंह मत लगना। नहीं, मुंह मत लगना और फोन नीचे रख देना। और सुनो, मेरी गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी का डिब्बे में है। डिब्बे में? नहीं नहीं। हाँ। हाँ। अबे गैरेज में है यार। गैरेज में है। और सुनो, मेरे तोते का क्या हुआ? हाँ, तोता उड़ गया। क्या? लेकर आ रहा हूँ। हाँ, लेकर आ रहा हूँ। रवि क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आज? सॉरी डार्लिंग कि मैं बहुत परेशान हूँ, काम बहुत बाकी पड़ा है। ओके बाय। सॉरी माखन जी। क्या सॉरी? थका दिया। 6 महीने के पका लूंगा इसकी मैं। प्लीज माखन जी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये उसकी मिसाल है। सर बैठिए। मैं बैठूं? मैं चपरासी हूँ। कम बैठ। कामचोर कहीं का। सर फोन। हेलो, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो। हाँ जी, मैं पूना से बोल रहा हूँ। 100 डेज के कैसेट अभी भेज रहा हूँ दुर्गे जी। वो कैसेट पूना भेज देना। हाँ, अरे काम कामचोर वो सुराड़ आदमी इधर देखता घूमने लग जाता, भेजना यार। यस सर। अभी भेजता हूँ जी। है? मेरी कार? अरे ये लड़की कौन है? मेरी कार लड़की ले गई, गाड़ी तो गैरेज में थी, फिर ये कौन होगी? कमाल का खाना, 12 दिनों से तरस गया था मैं तुम्हारा हाथ का खाना खाने के लिए। नो रियली, क्या खाना है, वाह। रवि, आज एक लड़की अपनी कार चला रही थी। लड़की कार चला रही थी अपनी? कौन थी वो? मुझे क्या मालूम, ये गराज वाले बड़े बदमाश होते हैं। कल उनकी खबर लेकर ही रहूंगा। अच्छा? मैं जरा हाथ धो लूं। रवि, कहीं कोई तुम्हारा नया चक्कर तो नहीं? वो क्या है ना कि ये चैन पहनने के बाद लड़कियों तो दूर 4 बच्चों की अम्मा भी मुंह बोल लेती है। So sad। जरूर रवि होगा। रवि, सपना। रवि, कहाँ थे तुम इतने दिन? सिर्फ 2 दिन तो हुए हैं। 2 दिन? तुम नहीं जानते, ये 2 दिन मैंने 2 साल की तरह रो-रो के गुजारे। अरे अरे, ये क्या? पागल लड़की, पागली तो करती है तुम्हारे प्यार ने। रवि, आज मैं तुम्हारी माँ से आशीर्वाद लेकर ही रहूंगी। देखो सपना, माँ को समझाकर रास्ते में लाने में कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। हो सकता है कि जल्दबाजी में बात बिगड़ जाए। हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, और सपना, मुझे पूना जाना है। पूना? कुछ काम है। डार्लिंग, तुम कहो तो गाड़ी ले जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी है, इसमें पूछना क्या। लेकिन तुम्हें जाने की इजाजत एक ही शर्त पे मिलेगी। वो क्या? वो ये कि परसों शाम तुम्हें यहाँ आना होगा, मेरी बाहों में। मंजूर। आशा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रही मेम साहब, आपकी गाड़ी की चाबी, और ये रहा आपका तोता। मिट्टू बेटे, मिट्टू बोलो। लक्की, लक्की बोलो। ये लक्की कौन है? हमारा बेटा। बेटा तो लक्की की माँ। छोड़ो, ये क्या हो रहा है? जी मैं ठीक, मैंने तोता दिया और तुम मुझे। तुम्हें तो बस दिन रात एक ही काम सूझता है। तो तुम काम बताओ ना। सुबह से फोन करते करते मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज कुछ फोन तुम भी कर दो। शादी की सालगिरह क्या मेरे अकेले की है? शादी की सालगिरह? बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना, और कभी दारू नहीं पीना। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना, और कभी दारू नहीं पीना। चाहे जितने हो गम, हाँ, बियर विस्की हो, ब्रांडी या रम, पीना नहीं चाहे जितने हो गम। नशा जो भी हो अच्छा नहीं, पी के कभी नहीं जीना। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना और कभी दारू नहीं पीना। रेखा हो या टीना, दूर से इनको सलाम करना। हसीनत रेखा हो या टीना, दूर से इनको सलाम करना। लड़कियों के चक्कर में होता है मुश्किल जीना। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना, दारू नहीं पीना। ऊंचा नाम करूंगा, हाँ। पढ़ लिख कर वो काम करूंगा, डैडी का ऊंचा नाम करूंगा। प्यार तुम मुझको करना नहीं, बाय बाय तुमको हसीनो। डैडी ने कहा ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम करना, हसीनों के पीछे नहीं जाना और कभी दारू नहीं पीना। मोहब्बत के पंख लगा कर उड़कर मेरी बाहों में आ जा। सुनीता, तू भागते हुए मेरे पास आ जा। रीता, मैं तेरे लिए हूं सिर्फ जीता। पारो, मुझे अपने प्यार की झाड़ू से मारो। डिसूजा, डिसूजा, यही सोचा। अच्छा, उठो उठो, मैं कह रही हूँ। अरे अरे अरे, शर्म नहीं आवत है सवेरे सवेरे? अरे नहीं माना तो। अरे हम बतावत है कामिनी। हाँ, डिसूजा, ये लो डिसूजा। ये पानी कौन डाला? हम डाला, हम। अरे तुम सपने में क्या कर रही हो? सपने में नहीं, जागने में। कौन जाग रहा है? मैं। हम। कौन हम? हम तुम। हम। अरे मैं जाग रहा हूँ, मैं सपने में जाता हूँ। तुम्हारे सपने की तो ऐसी की तैसी। कान टूट जाएगा हमारा। अरे टूटने दो। अरे शक तो हमका पहले से ही था, लेकिन आज तुमका रंगे हाथ पकड़ लिए। कहाँ है रंग हमारे हाथ में? तीन तीन बच्चन के बाप हो गए हो, ऐसे कुकर्म से बाज नहीं आते। हाँ, शर्म नहीं आती तुमका? काहे शर्म आएगी? हम कोनो मेहरारू हैं, दोरी तरह साड़ी पहनते हैं क्या? अरे हम मर्द हैं, मर्द। मर्द आए के मर्द। ऐसे उठा कर पटकना नहीं है। काहे ना पटके? अरे चल, देखा है हम 4 शादी करें, 40 करें, 400 करें, 4000 करें। तुम ससुरी कौन हमको रोकने वाली? हम कौन होते? अब ये बतावत है। हाँ बताओ। ठहर जाओ, बैठे रहो। चलो निकलो घर से, निकलो। तुम हम पे झाड़ू उठा रही हो? तोरे बाप का घर है का? सारा झोपड़े के जैसा तो मकान था, न इसमें जमीन थी, न दीवार थी, न छत थी। सब हम लगाया है। तुम लगाए? और का शोकेस की तरह हम सजाया है। लोग यहाँ से गुजरते तो समझते हैं कि ताजमहल में आ गए। अरे काय का ताजमहल? काहे का ताजमहल? पब्लिक से जाके पूछो। क्या पूछो? ये ताजमहल है कि नहीं है। अब चाटती फिर उस ताजमहल को। तुमको यही सब चाहिए था ना? सोफा चाहिए था, टेलीविजन चाहिए था, जेवर चाहिए था, मिल गया। और ये जो तेरा मियाँ है ना, वो उड़ गया। अरे कहाँ जावत हो? ये हथकड़ी जो हमने पहनाई है, उसका क्या करोगे? अरे ये हथकड़ी को हम दही की कड़ी बनाई दिया। नमूना दिखाएं? ये देखो, ये रहा इसका बाप। क्या ये? हाँ, इसको ऐसे देखे, ऐसे करे तो दुनिया की हर खूबसूरत औरत से फौरन कनेक्शन लगता है। अरे चलो छोड़ो, कनेक्शन लगता है। ये देखो नमूना दिखाते हैं। ये देखो, झटका लगा ना? लगा। चक्कर आया? आया। तो खड़ी का गिरो। हाँ। बहुत अच्छा। चाहिए। हेलो। हेलो डार्लिंग। ना चले ये कंपक पीछे कब छोड़ेगी? हाँ हाय डार्लिंग। तुम पुणे से कब आए? अभी आया। तो फिर तुम शाम को कितने बजे आ रहे हो? क्या है कि डार्लिंग कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल आ जाता हूँ। देखो अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं अभी जाके माजी से शिकायत कर दूंगी। नहीं 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 नहीं। डर गए ना? जल्दी आना। मैं अभी आया। डैम। प्यारी प्यारी मीठी मीठी लड़की है। अरे क्लर्क को क्या करूंगा यार, मेरी तकदीर में क्या क्लर्क ही लिखे हैं। दूसरे आओ। टुन टुन हट, घड़ी खराब हो जाएगी। अरे बड़ी भी ये क्या है? श्रीदेवी, ये बात हुई ना। हेलो माखन जी, आप इधर श्रीदेवी के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं और उधर मेरा आशा से कनेक्शन टूट रहा है। अरे क्या हुआ यार? सपना का फोन आया था। पुरानी बात है, इस बार उसने धमकी दी है। ओह ये तो नई बात है। फिर क्या? आशा को फोन लगाओ और उसे कहो कि मैं वकील साहब के साथ डिनर कर रहा हूँ। मतलब मैं झूठ बोलूं? अरे लगाओ ना। ओह मैं ये तो गड़बड़ है। अपने क्या कहते हैं उसको, क्या हुआ? नहीं वो आपने आदत डाल दी ना, तो मैं क्या पूरी आदत डाल दी मैंने? तो बंद हो जाएगी। ये बंद हो गई। जल्दी से फोन लगाओ। हाँ, वो चला भी गया होगा। लगाओ। हाँ लग गया ना, पैसे मिल गए तो कुछ भी। हेलो। ओह नंबर घुमाया नहीं यार। हाँ हाय, आइए ना। यस क्या बात है, फोन पे तो बड़ी धमकियां दे रही थी। तुमने बताया नहीं? कैसी लग रही हूँ? ये सब क्या पहन रखा है, एकदम घरेलू औरत लग रही हो। वही तो बनना चाहती हूँ। क्या मतलब? अभी तक मकानों में रहती थी, कमरों में रहती थी। तुम मिले तो घर के ख्वाबों ने अंगड़ाई ली। वो घर जो हर औरत के लिए उसका मंदिर होता है, जहाँ उसका पति होता है, जहाँ उसके बच्चे होते हैं। ओह स्टॉप इट। रवि सॉरी, मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं भी कैसी पागल हूँ, थका हारा हुआ आदमी घर आया और मैं भी कैसे फजूल की बातें लेके बैठ गई। उसे तो गरम गरम चाय पिलानी चाहिए। मैं अभी आई। ये तो बीबी बनने का ख्वाब देख रही है। रवि बच निकल। सपना। हाँ अरे चाय छोड़ो यार, एक एक पैग हो जाए। नहीं मैंने आज से पीना छोड़ दिया है। हो कम ऑन यार, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। पीना छोड़ दिया, पति बच्चे घर। अरे जवानी तो 4 दिन की होती है प्यार करने की, ये फालतू बातें बाद में करेंगे। क्या ये सब फालतू बातें? और क्या? इसका मतलब तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। लेकिन प्यार का मतलब शादी तो नहीं। ये क्या नाटक है सपना? मुझे मर जाने दो। सॉरी सपना, ये मतलब तो नहीं था। और ये केक खाना ये सब क्या है सपना? मेरा जन्मदिन किसी ने भी नहीं मनाया, मैं खुद भी उसे भूल गई थी। लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझ में नई उम्मीदें जगाई, एक बुत में जान डाल दी, हसरतें जगा दी। सोचा था इस बार मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, अपने हाथों का बना खाना खिलाकर। क्या हुआ? ये क्या दिखाओ? ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने सपना? रवि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। हम शादी करेंगे। हमारा घर होगा, हमारे बच्चे होंगे। सब ठीक हो जाएगा सपना। हेलो हेलो आशा। हाँ जी बोलिए वकील साहब। जरा रवि को देना। नहीं वो तो आपके यहाँ गए हैं ना। नहीं तो? पर माखन जी ने तो यही बताया था। पता नहीं, ठीक है उससे कहना कि कल वो 8 बजे मेरे पास आ जाए। ठीक है। शादी में नहीं आए। पागल लड़की का बार बार फोन आना। मुझे कहा डिनर पर जाना है। इनकी हरकतें तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। कहाँ थे तुम? क्यों, माखन जी का फोन नहीं आया? आया था, मगर वकील साहब का भी फोन आया था जिनके साथ तुम्हारी मीटिंग थी। बिजनेस में हजारों काम होते हैं, कई लोगों से मिलना पड़ता है, मगर तुम औरतों के पास सिर्फ एक ही काम है, शक करना। शक बिना कारण नहीं होते हैं। मगर आशा, मैं तुम्हारी ये चेन, कहाँ है वो चेन? कहाँ गया तुम्हारा वादा कि चेन हमेशा बाहर रहेगी? आशा, मैं चेन हमेशा बाहर ही रखता हूँ, लेकिन आज, हाँ, ऑफिस में टूट गई थी और माखन जी ने उसे बनवाने दी है। आशा, सच आशा, तुम्हारी कसम। मेरी झूठी कसम मत खाओ, मैं भी माखन जी से पूछती हूँ। आशा, इतनी रात गए क्यों? क्या हुआ? हेलो, माखनलाल जी है? सो गए? ठीक है, माखनलाल जी से मैं खुद बात कर लूंगी, लेकिन कल तक मेरी चेन आ जानी चाहिए। ये चेन रवि की होगी, मगर ये फोटो माँ या नहीं 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 नहीं, मिसेस के नाम से देखती हूँ। हेलो, मिसेस रवि वर्मा है? हाँ है, पर आप कौन? रवि का शादीशुदा? नहीं 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 हो सकता। रवि किसी और का नहीं हो सकता, उसे मेरा हो नहीं पड़ेगा। मैं उसे तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। बुलाती हूँ। प्लीज पुट मी टू मिस्टर रवि। कॉलेज गर्ल का बाप है, बाप। हेलो हेलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करना। सर, आप एक बार ट्रायल तो देखिए। ओके, दूसरे नंबर लगाती हूँ, देख लेते हैं। एक सेकंड। हेलो रवि। सर, मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ। हाउ डेयर यू? रवि, फोन रखने से पहले पूरी बात सुन लो। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाओ, वरना मैं ऑफिस आती हूँ, और अगर मैं ऑफिस आ गई तो फिर तूफान आ जाएगा। सर, ये कौन इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी? सपना, सपना। ओ, तो तुम यहाँ हो? क्या हो डार्लिंग? इतना क्या अर्जेंट काम था? बस घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए तुमको बुला लिया। इन्हीं फालतू बातों के लिए बुलाया था मुझे? अच्छा, तो अब ये बातें फालतू हैं। वेल एनीवे, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था तन मन की दूरियां मिट जाने के बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। माँ से बात की? मुझे टाइम नहीं मिला, और शादी करने का फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं। इसके बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? ये तुम्हारे पास? झूठे बेईमान फरेबी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे जिस्म से ही नहीं, तुमने मेरे जज्बातों से भी खेला। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे एक हजाम बना दिया। यू चीटेड मी। ओ शराब, लोगों के सामने आधे नंगे जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़की को सीता सावित्री की जुबान बोलने का कोई हक नहीं। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम जैसी लड़कियों के साथ होता आया। मुझ जैसी लड़की का पेशा नाचना जरूर है, लेकिन प्यार करना नहीं। प्यार तो सिर्फ मैंने तुम्हें से किया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें वो देवता समझा जो एक नाचने वाली को औरत समझकर उसकी इज्जत बचाने के लिए आगे आया। इसी बात पर मैं अपना दिल दे बैठी, और अपना तन मन सब कुछ मैंने तुम पे निछावर कर दिया। तुम मेरे हो रवि, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम और किसी के नहीं हो सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ये जानने के बाद भी कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ, तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा, उसे डाइवोर्स देना होगा। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी को प्यार करता हूँ, और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आई एम सॉरी, उस आने वाले बच्चे के बाग का छिन जाने का दुख तो मुझे भी होगा, लेकिन इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी सोच ही मैं करो और तुम्हारी बकबक सुनेगा ही कौन? तुम्हारी जैसी 3600 आई और चली गई। मिस्टर रवि वर्मा, मैं उन 3600 में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दूँ। हाँ। यार क्या है यार, आज एकदम रेगिस्तान छाया हुआ है। कोई पटने वाली नहीं है क्या? थोड़ी हेल्प कर यार। घूमती छतरी, ये कौन सी छतरी जिससे अपना कनेक्शन जुड़ सकता है? अबे बैटरी डाउन है क्या? बचती क्यों नहीं? हेलो। यस। हाँ। हेलो। हाय। मैं यहाँ बैठूं? बैठो। आओ। क्या हुआ? नहीं ये पत्थर। तुम्हारा नाम क्या है? रोजी। हैं? रोजी। रोजी, इसीलिए रोजी मेरे सपने में आ रही हो। What? कसम से बस 3 रात से मेरे सपने में आ रही हो, 4 रात से मुझे नींद नहीं आई। Shut up. I swear, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर बन के रह गई है। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखो। Really? ये देखो, है ना तुम्हारी तस्वीर? ऐसा लगता है तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का साथ है। मुझे भी ऐसा लगता है। लगता है ना? तुम मेरा पहला पहला प्यार हो, तो पहले प्यार की तुम्हें क्या भेंट दूं? 1 आइसक्रीम। आइसक्रीम? बहुत कंजूस में आपकी लड़की लगती है। अच्छा मैं पूरे आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद के लाता हूँ। दुकान मालूम है किधर है? मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा नानिया, मैं भी आता हूँ। आई गो एंड कम। अरे पीएम साहब, क्या खूबसूरत मौके मुलाकात हुई है आज, है ना? मैंने बीवी से छुपकर पहला पहला प्यार किया। अरे मैं जल्दी में हूँ। अरे क्या बात करते हो, आपने कहा था चुप कर, पाप करो तो किसी को सुना दिया करो। मेरी बात सुनिए, मैं सच की मर रहा हूँ। अरे मैं पिघल रहा हूँ। मैं सचमुच मर जाऊंगा। अरे मैं पिघल रहा हूँ। तुम पिघल रहे हो? मतलब मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। आइसक्रीम? नहीं, अरे नहीं, मेरी महबूबा के लिए। मुझे अपने प्यार के लिए भेंट लेके जाना है। मेरी महबूबा के लिए। अरे मैंने तो वादा किया। दो ना, दो ना यार प्लीज। अरे दो ना यार, कितना कंजूस आदमी तुम। अजीब आदमी, बाद में खरीद के दे दूंगा। और जवाब रास्ते से ये भी दो ना, उसको नहीं दूंगा। जा आइसक्रीम। हाँ? माखन, मेरी आइसक्रीम, मेरी महबूबा को। आइसक्रीम तुम्हारी है मगर महबूबा मेरी है। मेरा पहला पहला प्यार क्यों डाली? चलो यहाँ से कहीं चलो। चलो बहुत भीड़ है। ये सब क्या हो रहा है? बाय। ये लो तुम्हारी सड़ी हुई आइसक्रीम, तुम्हारे काम आए। माखन के बच्चे, मैं तेरे को देख लूंगा। मेरी महबूबा को ले गया मेरा चेला, मेरा गुरु बन गया। आपके पास सॉक्स वगैरह है? ये वही है। हाँ। ये पैक कर दीजिए और ये भी पैक कर दीजिए। ये सब हो गया? और जल्दी करो ना आशा। हाँ बाबा, बस 2 मिनट। ओह, तो रवि भी साथ में है। सुनिए प्लीज, क्या आप होने वाले बच्चे के लिए कुछ बता सकती है? हाँ, ये कैसे? ओके बाय। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे नए होने वाले बच्चे के लिए कुछ बता सकती हैं? चलो। क्या लेना चाहिए? कम ऑन आशा। जी देर हो रही है। मेरा पहला चांस है। मेरा भी पहला है। हाँ? ये आपके, ये मेरे पति है मिस्टर रवि वर्मा। मेरा नाम सपना है। नमस्ते। हाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कार्ड है, शायद आपको कभी जरूरत पड़े। ओके ओके बाय बाय। मिस्टर रवि वर्मा, मैं तेरी जिंदगी में जहर घोल दूंगी। खबरदार जो मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की या उसे हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बताया तो। मुझे तुम्हारी बीवी में नहीं, सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। अपनी बीवी को छोड़कर मेरे हो जाओ। हरगिज़ नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दूंगी। लड़कियां कहाँ गई? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पीएम जी आए आए आ प्रणाम। इधर नहीं बालक, इधर। प्रणाम। बस बस। ये आपको क्या हो गया पीएम जी? अब मुझको होश आ गया बालक। बरसों से माया, मोह और लोभ के पीछे दौड़ने के बाद इस औरत के आशीर्वाद से मुझे प्रेम का सत्य समझ में आ गया है। प्रेम की नई परिभाषा तो तुम बाहर पढ़ी चुके होगे। यस। इसलिए बालक, मेरी तुमसे सलाह है कि असली सुख पत्नी के साथ है, घर में है। पत्नी की सेवा करो, उससे प्यार करो, उसकी टांगे दबाओ जैसे मैं दबा रहा हूं। बिल्कुल। बाहर का मक्खन मत खाओ, उससे पेट खराब हो जाता है। यही सुखी जीवन का रहस्य है। याद रहे हाँ, नो गड़बड़ नो मक्खन। आज मैंने पहली बार महसूस किया है आशा कि तुम कितनी सुंदर हो, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। आज ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? आज मैंने सुखी जीवन का सत्य समझ लिया है आशा। हेलो। ए, क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। आई लव यू डार्लिंग। हेलो। हेलो। जानेमान। शट अप। इडियट। कौन था? पागल लड़की। कम ऑन, फॉरगेट इट। तो बाहर होगी। क्या हुआ साहब? देखिए ना, गाड़ी नहीं है। गाड़ी कहाँ गई? लगता है चोरी हो गई। देखिए ना, दरवाजा भी खुला है। वॉचमैन कहाँ था? वो तो वहाँ छुट्टी पर था। लगता है किसी का फोन है। इतनी रात गए? हेलो। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? आपकी गाड़ी एमएमएस 918 है। हाँ, उसका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? आप जल्दी आइए। हाँ, मैं अभी आया। अरे क्या हुआ? किसी ने हाईवे पे एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी की। लेकिन यहाँ से गाड़ी कौन लेकर गया? लिफ्ट का मतलब मैं खूब समझती हूँ। लफंगे लफंगे। लफंगे नहीं यार, अच्छा खासा दिख रहा हूँ, लफंगा कहाँ दिख रहा हूँ? लिफ्ट प्लीज। आवाज कहाँ से? मिल गई, मुबारक हो। कहाँ जाना है? लिफ्ट। उस तरफ बैठो। हो गया, मुबारक हो। संभाल गया, गिरना तो आवाज मत देना मुझको। जल्दी में हो क्या? नहीं तो थोड़ा लंबा चले। हाँ। कितना लंबा चले? थोड़ा कि बहुत लंबा? बहुत लंबा। अरे वाह, तुम चिपक रही तो कितना अच्छा लग रहा है। दिल करता सारी जिंदगी तुम्हारी तरफ देखता ही रहूं। देखो एक्सीडेंट ना हो जाए। नहीं एक्सीडेंट? यार तो कुछ जानी पहचानी लगती है। क्या है? इधर देखो, इधर। नहीं, हम गैर औरतों की तरफ देखना पाप समझते हैं। गैर औरतों की तरफ? ये हम हैं, हम। तुम? हाँ। लुच्ची लफंगी का है। हम घर से जाते हैं तो ये कपड़ा पहन के सड़क पे बदमाशी करती फिरती हो। हमको लुच्ची लफंगी बोला? लुच्ची लफंगी है और तुम क्या कर रहे हो? हम क्या करते हैं? हम आंख बंद करके सरापा से गाड़ी चला रहे दौर। क्या करते हैं? लड़किया को लिफ्ट देते हो? वो नहीं, वो तो हम। वो बहन बुलाए की बोले की जरा लिफ्ट दो तो हम बुलाओ बहन बैठ जाओ। बहन? हम? अरे तुमको कौन बहन बोलता है? हम उसको बोलते हैं यार। और तुम घर चलो, हम तुम्हारी टांग तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देंगे। हम तुमका सिर तोड़कर तुम्हारे टांग में नहीं दे देंगे तो हमारा नाम। नमस्ते मक्खन लाल जी। नमस्ते मक्खन लाल जी। ये सब हमारी ट्रेनिंग पटा लिया। अरे होम मिनिस्टर मेरी पत्नी है, क्या कर रहा है? क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे भाई साहब, जरा देखो तो ये कैसी कैसी हरकत कर रहे हैं। हाँ, 3 बच्चन के बाप होकर लड़कियों को लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट देते हैं और इश्क का शिकार कर रहे हैं। अरे तुम ही बोलो, मुझ में क्या कमी है? हम खूबसूरत नहीं, जवान नहीं? बोलो ना, जवाब दो। अरे तुम में समझदारी की कमी है। 24 घंटे हम पे शक करती रहती है। आपकी इन करतूतों पर आप पर कौन शक नहीं करेगा? हाँ। ये आप बोल रहे हैं जी? ये आपकी ट्रेनिंग के कारण इस रास्ते पे चल। नहीं 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 भाभी जी, अब मैं बदल गया हूँ। आज से मेरी शिक्षा भी बदल गई है। आज से मेरी शिक्षा है कि जिसके साथ शादी करो उसी के साथ प्रेम करो। कुछ सुना तुमने? अरे हम तो बचपने से सुनते आए और उस पर अमल भी करते रहे हैं। मगर तुम्हारे लोग रवि बाबू की संगत और तुम्हारे शक के कारण हम बिगड़ गए। वरना एक जमाना था कि हम अपने आप से प्रेम करते थे। हाँ। इसी बात पर महापुरुषों ने कहा है कि आदमी को बनाने में और उसे बिगाड़ने में औरत का हाथ होता है। हाँ, और हमको बिगाड़ने में तोरे दोनों हाथ है। दोनों नहीं बल्कि चारों हाथ है। हम बिगड़ गए तोरे कारण। अच्छा अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। अब हमको माफ कर दो ना। तो हमको माफ कर देना। फिर से नहीं करोगे ना? कसम से। इसी बात पर हम तीनों का नारा है कि जिससे शादी करो उसी के साथ प्रेम करो। अच्छा, ये नारा परमानेंट रहेगा ना? रहेगा। बदल तो नहीं जाएगा ना? सुखी रहो। हाँ। अच्छा अच्छा आदमी है। वो तो मालूम नहीं पर बात अच्छी बोल गई है। क्या? जिससे शादी करो उसी से प्रेम करो। माखनलाल जी ये सब घर में, यहाँ पर नहीं। हाँ। ये मेरी टोपी में सुराख है क्या? बड़ा फ्रॉड आदमी है। क्यों डार्लिंग, मजा आया ना? हाँ बहुत, वक्त का तो पता ही नहीं चला। ओ माँ, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। गौरी कहाँ है? उसकी माँ की तबीयत खराब है। रवि, मिठू कहाँ गया? अरे पिंजरा तो ठीक से बंद है, फिर कहाँ गया? क्या हुआ आशा? Oh my God! आग से खेलेंगे तो उंगलियां तो जलेंगी। मुझे तो उसी मधुमक्खी पे शक है जो अलग होने से पहले डंक मार मार के हालत खराब करेगी सबकी। शक तो मुझे भी है। 4 दिन में ये दूसरी दुर्घटना है। अरे भाई मेरे, उससे पहले मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर के आपका तोता मर गया, आपकी गाड़ी जल गई। अब आप ही समझाइए ना माखन जी, 4 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है। माखनलाल जी, अभी आप लोग किसकी बातें कर रहे थे? किस पर शक है आपको? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे है। आशा वो। तुम चुप रहो। माखन जी आप सच सच बताइए, आपको मेरी कसम। अरे आप कसम दिए तो भाई मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। देखिए क्या है कि एक लड़की है, उसका नाम है सपना। सपना? रवि कहीं वो तो नहीं जो उस दिन दुकान में मिली थी? हाँ। नहीं वो नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, उसको हम लोग देख लेंगे। हाँ। आप क्या देखेंगे, अब तो मुझे देखना है। आखिर उसकी हमसे दुश्मनी क्या है? चलो मेरे साथ। मैं कहती हूँ चलो। ये तो फंस गया यार, क्या करूँ उसका। ओफो। आओ आओ, आइए आइए मिस्टर एंड मिसेस रवि वर्मा, अंदर आओ। सपना, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा मेरे पति के साथ क्या संबंध है? संबंध? ये सवाल मुझसे नहीं, इस 4 दीवारी से पूछो जहाँ हजारों लाखों लम्हे हमने साथ साथ गुजारे। इस सोफे से पूछो जहाँ मुझे सीने से लगाकर इन्होंने मेरे आंसू पोंछे, और इस किचन से पूछो जहाँ इन्होंने अपने जानेमन को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाया। और इधर आओ, इस बिस्तर से पूछो मेरे सुल्फे से लाते हुए इन्होंने साथ साथ जीने पड़ने की बातें करते हुए न जाने कितनी बार मेरे जिस्म की गर्गो। बेशरम मैं नहीं, बेशरम तो ये शादी के साथ फेरों तुम्हारे होने की कसमें खाने के बावजूद तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं। मेरा अपमान करते वक्त तुम ये कैसे भूल गई कि बीवी होने से पहले तुम एक औरत हो, और इसने हम दोनों औरतों को धोखा दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, और जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देर ही सही पर मालूम तो हो गया ना। अब क्यों किसी का घर उजाड़ना चाहती हो? वो इसलिए उसे उजाड़े बगैर मेरा घर नहीं बच सकता। मेरे होने वाले बच्चे को बाप का नाम नहीं मिल सकता। किसी भी हालत में इनको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मिसेस रवि वर्मा, ये अपनी अमानत तो ले जाओ। अच्छा तुम क्या कर रही हो? गाड़ी में बैठो ना। नहीं बैठना मुझे गाड़ी में, सही जाना इनके घर, कोई नहीं है मेरा। आशा मगर मेरी बात तो सुनो। आपकी बातें सुनकर ही तो आज तक इतनी बेवकूफ बनती रही। घर में कोई बड़ा नहीं था, उसके बदले आपको अपना माना, इतनी इज्जत दी और आप मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इन्हें सुधारने के बजाय इनकी गलत हरकतों में साथ देंगे। आशा, आशा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चलो ड्राइवर, चलो। तुम डरो, मैं जाके समझाता हूं। ऑटो तुम जाओ, मैं देखता हूं क्या होगा। मक्खन जी वो टैक्सी का पीछा करो। आशा मक्खन का फोन क्यों आया? हेलो दीदी छोड़कर चली गई। तुम्हारे आंसू पोंछने आ जाओ। ओ शट अप, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रवि बाबू। माखन जी। आशा चली गई। क्या? कहाँ गई आशा? वो क्या है, सिग्नल पे मेरी ऑटो रुकी और जब सिग्नल ऑन हुआ तो जब तक टैक्सी जा चुकी थी। कमाल है माखन जी, आप उसे किसी भी हाल में ढूंढिए। कोशिश करता हूँ, मैं बाद में फोन करूंगा आपको। ओके। हेलो माखन जी, आशा मिली? नहीं, पूरा शहर छान मारा, बस स्टॉप पे देखा, एयरपोर्ट पे देखा, रेलवे स्टेशन पे देखा, कहीं पता नहीं चला। ठीक है, आप घर आ जाइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ डैडी। हाँ आशा ही वहाँ पे नहीं तो उसका फोन। नहीं तो बात क्या है? कुछ नहीं। हेलो हेलो शर्मा जी। मेरा भी। हाँ क्या हुआ? आशा ही वहाँ पे नहीं तो। हेलो बीवी का कुछ पता चला? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मेरे सिवा तुम्हारी बीवी और कोई नहीं बनकर रह सकती। मैं उसकी जान ले लूंगी। ओ शट अप, आशा कहाँ गई होगी? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है वो? माखन जी ने नहीं बताया। माखन जी, आशा कहाँ है? आशा डॉक्टर, आशा कैसी है? बाल बाल बच गई, चोट मामूली है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। आशा भाभी जी, इनसे कह दीजिए ये यहाँ से चले जाए। आशा मैं कैसे कह रही हूँ? आशा मिस्टर रवि आप प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? शी इज माय वाइफ, शी इज माय पेशेंट। इनको भी नींद की गोली दी है, अब इनको रेस्ट की जरूरत है। आप प्लीज बाहर चलिए। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? क्या है ये सब? अपनी आंखों से देख तो लिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? आशा को यहाँ लाए क्यों? तो कहाँ लेके जाता? क्यों, क्या उसका घर नहीं है? आप उसे घर ला सकते थे। तूने आशा का जवाब नहीं सुना? अरे जो तेरा मुंह नहीं देखना चाहती थी वो तेरे घर जाती। भाभी आप तो बड़ी है, समझदार है, आप आशा को समझा सकती थी कि उसका एक पति है, घर है। ओए होए होए, पति, घर? अरे पहले अपने दिल से पूछ कि पति तेरे जैसे होते हैं। चुप रहिए भाभी, ये यकीन है कि आशा को भड़काने वाले आप सब हैं। क्या है? चिल्ला किस लिए? आवाज नहीं चकर। ये तेरा ऑफिस नहीं, मेरा घर है। इस घर में एक मरीजा रहती है, चलवाने के चलो। मैं आशा को लिए बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। तू कैसे नहीं जाएगा? आशा घर से उस वक्त जाएगी जब उसकी मर्जी होगी। आशा और आशा की मर्जी की ऐसे की तैसी। अरे चल, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले तेरी ये मजाल। तेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मगर मुझे बहुत देर में एहसास हुआ कि तेरे टुकड़े पाप के जहर में डूबे हुए थे। वो जहर जिसने मुझे मार दिया, मेरी आत्मा को मार दिया, मेरे जमीर को मार दिया। दोस्तों के लिए अयाशी का सामान इकट्ठा करने वाले का कोई जमीर नहीं होता। तुम भी तो वही हो ना, एक दलाल, दो कोरे के दलाल। हाँ दलाल, अगर दलाल से भी ज्यादा कोई गंदा शब्द है तो वो हूं मैं। मगर कभी अपने अपने सीने में झांक कर देखा कि ये सीधा साधा शरीफ इंसान दलाल बना कैसे? किसने बनाया इसको दलाल? इस घर की इज्जत ने, ये मेरी बीवी ने। इसको दौलत चाहिए थी, इसको रेशमी साड़ी चाहिए थी, क्योंकि गरीबी की साड़ी में इसको ऐसा लगता था जिसने कांटों का ताज पहन रखा हो। इसको हराम की कमाई का टेलीविजन चाहिए था क्योंकि गरीबी की रेडियो की आवाज सुनाई नहीं देती थी इसको। चोरी के पैसों का पलंग चाहिए था इसको क्योंकि गरीबी के बिस्तर पे नींद नहीं आती थी इसको। कीमती जेवर चाहिए था इसको क्योंकि बिना जेवर के इसको ऐसा लगता था कि इसके मांग में सिंदूर जो है वो कलेजे के जख्म में नमक की तरह आग लगा रहा है। बाबू बोलना बहुत आसान है, सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के बाद बंद, सब बंद। आज के बाद मैं दलाली की लालच से अपने घर को लाल नहीं करूंगा। इसलिए उठाओ अपना सारा हराम का सामान, सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। एंड गेट आउट, आउट, नहीं यहां से। रवि वर्मा के रोमांस स्कैंडल। रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। रवि वर्मा रोमांस विद ओह शिट। हाँ, मिसेस रवि वर्मा ने अपना घर छोड़ दिया। क्या क्या बने? नहीं, मैं अपने खानदान के बदनामी नहीं होने दूंगी। के लिए आप लोगों तक झूठी खबरें पहुंचाई और आपने बिना सच्चाई जाने उसे छाप दिया। देखिए मैडम, कोई भी खबर बेबुनियाद तो नहीं होती है, और मैडम जहाँ आग लगी हो धुआं तो वहीं से उठता है ना। अक्सर आग लगती नहीं, लगाई जाती है, किसी को बदनाम करने के लिए, समाज की नजर में गिराने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं गलत अफवाह छापने के कारण आप सभी लोगों पर मानहानि का दावा कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पति का किसी कैबिनेट डांसर से कोई चक्कर है और न ही मैंने अपना घर छोड़ा है। समझे आप लोग? लेकिन आपके पति यहाँ क्यों नहीं? उनके लिए इन फालतू बातों से ज्यादा अपना बिजनेस इम्पोर्टेंट है। और कुछ पूछना आप लोगों को? That's all. ठीक है मैडम, हम आपका जवाब अभी अंक में छाप देंगे। थैंक यू। आशा, आशा, प्रेस के सामने मेरे गुनाहों पर पर्दा डालकर आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कितनी महान हो आशा। और इस महानता तक पहुँचने के लिए पत्नी को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, सोचा है कभी? अगर पति की तरफ पत्नियां भी सारी मर्यादाओं को तोड़कर वो सब कुछ करने लगे जो उनके पति करते हैं, तो क्या तुमको, क्या तुम्हारे समाज को गवारा होगा? नहीं आशा, ऐसा नहीं हो सकता। औरत तो घर और समाज की बुनियाद होती है, अगर वो भी अपनी जगह से हिल जाए तो इसका मतलब कि वो कुछ ना करे, सिर्फ सहती जाए और एक दिन टूटकर मिट्टी में मिल जाए। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। ओके आशा, इस घर को छोड़कर मत जाओ आशा। अब मेरा तुम्हारे घर से कोई वास्ता नहीं। आशा, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो आशा। तुम्हारा बच्चा जिसकी तुम झूठी कदम खाते रहे, तुम्हारा मुझसे या मेरे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं। मैं आज भी यहाँ सिर्फ इस खानदान की बहू होने के नाते आई थी, क्योंकि खानदान की इज्जत बाजार में उछाली जा रही थी, जिसे बचाना मेरा फर्ज था और वो मैंने पूरा किया। नाउ गुड बाय। आशा प्लीज मेरी बात तो सुनो आशा। ओह, आइए सपना जी, बिल्कुल सही वक्त पर आइए आप। देख लीजिए, जो जो आप चाहती थी वो सब कुछ आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। अपना घर, अपना प्यार, हाँ, और अपना पति। बेस्ट ऑफ लक फॉर अ न्यू स्टार्ट। नहीं आशा जी, आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी। हाँ, मुझे मारने में तो नाकामयाब हो गई, अब क्या बादी बनाकर रखने का इरादा है? नहीं आशा, सपना उस किस्म की लड़की नहीं जैसी तुम समझ रही हो। माखन जी, अभी तक तो आप रवि के राज पर पर्दा डालने की कीमत लेते रहे, अब इसकी वकालत करने की कितनी फीस ली है आपने? आशा, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसकी कहानी अगर तुम सपना की जबानी सुनो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बोलो सपना, बोलो ना, तुमने कोई पाप नहीं किया है, मैं हूं तुम्हारे साथ। आशा जी, उसकी धोखेबाजी और बेरुखी से तंग आकर मैं पागल होकर उसको बेइज्जत करने उसके ऑफिस पहुंच गई। वहां मुझे रवि तो नहीं मिला, लेकिन माखन जी मिले जिन्होंने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बाजारू और गिरी हुई औरत समझकर उन्होंने मुझे रवि को छोड़ने के लिए कीमत देनी चाहिए। ये लो 2 लाख। आपको कैसे यकीन है कि रवि सुधर जाएगा? किसी और का ना होकर अपनी पत्नी का होगा। आपको उसकी पत्नी से इतनी हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि मैं भी औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि औरत क्या होती है। पत्नी वो औरत होती है जो अपने माँ बाप को, बहन भाई को, सब कुछ छोड़कर पवित्र अग्नि में सब कुछ जलाकर अपने पति के प्यार के धागे में बंध जाती है। और जब उसे पता चलता है कि उसका पति बेवफा है तो टूट कर बिखर जाती है, सर्रा सर्रा हो जाती है। I'm sorry, मैं तुम्हें कुछ और समझा था, लेकिन सुख मिला ये सुनकर कि तुम रवि का घर बर्बाद होने से बचाना चाहती हो। उसके बाद मैंने सपना का साथ निभाना शुरू किया। फिर वो कार का चोरी हो जाना, तोते का मर जाना, आशा का एक झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवाना, अखबार में इनकी बदनामी छपवाना, और यहां तक कि सपना का ये कहना कि वह इनके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सब मेरा प्लान था। मैंने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलती कहाँ हुई, किससे हुई, ये सोचने से कोई फायदा नहीं, बल्कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए। आशा, 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 सपना सच कह रही है। रवि को माफ कर दो और अपना बिखरा हुआ घर फिर से बसा लो। सपना, तुम भी रवि को माफ कर दो। आशा, मैं ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मिस्टर रवि, मेरे जाने से पहले आपको मुझसे वादा करना होगा। Yes. You promise कि तुम दोनों के बीच और कोई सपना नहीं आएगी? Yes. Promise? I promise. God bless. Thank you. Bye. Bye. क्यों गुरु, ये मैंने ये जो चक्कर चलाया, ये गड़बड़ की, ये बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं लगा तो एक आध मुझे भी लगा दो जोर से। हा? नहीं, क्या है कि हम लोग थोड़े विलायती ज्यादा हो रहे हैं। हिंदुस्तान से अंग्रेज तो चला गया, मगर हमारे दिमाग में अपनी बदमाशी और पाप के जरासीम छोड़ गया है। उनके यहाँ चलता है कि एक आदमी शादीशुदा होते भी, अपनी पत्नी के होते भी कहीं और जगह तांकता झांकता फिरता है, लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं चलता है दोस्त। यहाँ तो एक जन्म में एक ही के साथ निभाना पड़ता है, पति को पत्नी के साथ और पत्नी को पति के साथ। और जो आदमी अपनी पत्नी के होते हुए कहीं और तांका झांकी करता है, उसका क्या हाल होता है वो डिजाइन सामने है। मैंने भी थोड़ी जरा कोशिश की थी तो नहीं, फौरन एक्सीडेंट से पहले ब्रेक मार दिए। आप लोग, राय देता हूं, दुनिया में सबसे पंगा लेना अपनी घरवाली से कभी नहीं लेना, उसको हमेशा खुश रखना। ऊपर वाला भी खुश रहेगा और घर भी खुश रहेगा। कभी मोहब्बत और रोमांस दिल में जागे तो खुशी से बीवी को उठा लेना और गाना रोमांस रोमांस। आंखों में मुझको डूब जाने दे, थोड़ा सा वो दिलरुबा और पास आने दे। मुझको डूब जाने दे, थोड़ा सा ओ दिलरुबा और पास आने दे। मान ले तू बेखुदी में होता है जो होने दे, मैं हूँ दीवाना तेरा ओ मेरी जाने जाना। मुझको गले से लगा, मौसम बाहरों का है, दिलकश नजारों का है, दूर ना मुझसे तू जा।